हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हियर इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट साधारण रस। ओके, तो ये साधारण रस जो टॉपिक है हम रसशास्त्र के अंदर डील करते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो महारस और जो उपरस होता है उसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल में। ओके, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, उसके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक आपको प्रोवाइडेड किया है। तो ये जो साधारण रस होता है, महारस होता है और उपरस होता है, इसके जो उपयोग है, इसके जो यूजेस है, इसको ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है बिफोर स्टार्टिंग माय महारस और उपरस के वीडियो में। तो इसका जो मेन यूज़ यही रहता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो रसशास्त्र में जो हमारा जो मेन कंटेंट होता है, जो हमारा मेन जो मेटल जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट हमारा पारद। ओके, जिसे हम रस बोलते हैं, तो पारद बोलो या फिर वहाँ पे मर्क्यूरी बोलो या फिर उसको रस बोलो, रसेंद्र बोलो, सूत बोलो। ओके, तो ये सभी नाम है पारद को। ओके, तो पारद के जितने भी कल्प होते हैं, जितने भी वहाँ पे इसके फॉर्मुलेशन होते हैं, जितने भी इसके रस औषधि हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें पारद एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे इन्ग्रीडियंट पाया जाता है। तो पारद के साथ जो महारस, जो साधारण रस और जो जितने भी उपरस आते हैं उनको हम कंबाइन करके, उनको कॉम्बिनेशन के साथ हम पर्टिकुलर वहाँ पे औषधि प्रिपेयर करते हैं। ओके, दैट्स वाई यही इनके उपयोग होते हैं, यही इनके यूजेस होते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे बताया था कि महारस, उपरस और जो हम साधारण रस पढ़ने वाले हैं ये सब आठ ही नंबर होते हैं। मतलब ये सभी क्या होते हैं, आठ आठ नंबर के होते हैं। जैसे कि महारस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिप, विमल, अद्रिज, मतलब अद्रिज मतलब शिलाजतु यानी कि शिलाजीत। देन वहाँ पे सस्यक, दैट इज़ नथिंग बट वहाँ पे क्या श्लोक अगेन अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, सस्यकम, चपल, रसक। ओके, चपल और रसक यानी कि ये आर्ट। और जो हम उपरस में पढ़े थे हमने, दैट इज़ नथिंग बट गैरिक, वहाँ पे हमने पढ़ा था। देन वहाँ पे काशिस, कांक्षी पढ़ा था हमने। देन वहाँ पे गैरिकम काशिस, सॉरी श्लोक समथिंग ऐसे रिगार्डिंग है कि गैरिकम काशिस कांक्षी ताल शिलांजनम। ओके, तो गैरिकम काशिस कांक्षी, कांक्षी मतलब फिटकरी। ओके, देन वहाँ पे ताल मतलब हड़ताल। देन वहाँ पे मनशिला हमने एक कंटेंट पढ़ा था। देन वहाँ पे अंजन, ओके, दिन हम कॉलेरियम बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे हमने कंकुष्ट पढ़ा था, द रोहबर्ब। ओके, द गैम्बोस ट्री का जो लेटेक्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंकुष्ट बोलते हैं। ओके, तो गंधक, गैरिक, काशिस, कांक्षी, हड़ताल, मनशिला, ओके, अंजन एंड कंकुष्ट। तो ये आठ हमने जो द्रव्य थे, ये जो रस द्रव्य थे उनको हमने वहाँ पे रीड आउट किया था। यहाँ साधारण रस की हम बात करें, ये भी आठ ही नंबर के होने वाले हैं। इनकी भी जो यूजेस हैं, पर्टिकुलर के जो यूजेस हैं उसको हमें मेंशन किया हमने, उसको हम डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ओके, और वहाँ पे इनके जो कंटेंट है, इनके जो नंबर है, दे आर विल बी सेम एज पर महारस एंड जो उपरस है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू अवर टूडेज क्लास, दैट इज़ नथिंग बट द साधारण रस, जो भी सॉरी जो वो भी आठ ही नंबर के होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट कंपिलश्य परो गौरी पाषाणो नवसारक, देन कपर्दो वन्य जारस्य गिरिसुंदरम हिंगुलो, देन मृदार शृंगम इति अष्टो साधारण रस इति स्मृताम। ओके, वंस अगेन श्लोक को रीड आउट करते हैं। कंपिलश्य अपरो गौरी पाषाण नवसारक कपर्दो वन्य जारस्य गिरिसुंदरम हिंगुलो। ओके, देन मृदार शृंगम इति अष्टो साधारण रस इति स्मृताम। ओके, कंपिल यहाँ पे जो श्लोक लिखा हुआ है उसको मैं आपको तोड़ के बताता हूँ, उसको मैं ब्रेक करके आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो कंपिलक एक वहाँ पे एक ये प्लांट का सोर्स है। ओके, नॉर्मली जो रसशास्त्र में हम जो डीलिंग करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा मेटल या फिर मिनरल सोर्स होता है, यानी कि अल्टीमेटली क्या है वो, हम डिगिंग करके उसको माइनिंग करके क्या करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट जो निकालते हैं अंडरग्राउंड से जो निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मेन यूज़ होता है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने रसशास्त्र के अंदर। ओके, तो वहाँ पे साधारण रस की जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो ड्रग आया है, ओके, यहाँ पे कंपिलक आया है। ओके, तो ये हर्बल ड्रग होता है, ये हर्बल ड्रग का सोर्स है, यानी कि ये नेचुरल सोर्स होता है, ये प्लांट सोर्स होता है। ओके, तो नेचुरल सोर्स तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल सोर्स तो जो माइंस करके जो हम निकालते हैं, जो हम अंडरग्राउंड से जो निकालते हैं, जो मिनरल्स निकालते हैं, जो मेटल्स निकालते हैं, ये भी नेचुरल सोर्स ही है, लेकिन प्लांट सोर्स का ये यहाँ पे एक कंटेंट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपिलक बोलते हैं। तो अल्टीमेटली मैं एक एक के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे इंट्रो ऐसे इंट्रो मैं आपको बता दूँ कि कंपिलक का जो हम पात जो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, वो हमारा फ्रूट फर होगा, यानी कि इसके फलरज का यूज़ करेंगे। तो यानी कि फल के ऊपर बहुत सारे वहाँ पे रेशे या फिर वहाँ पे समथिंग कुछ पार्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम निकाल कर उसका यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपिलक चूर्ण बोलते हैं।
ओके कंपिलक का प्लांट होता है ओके जिनका लैटिन नेम होता है मेलेटस फिलिपिनेंसिस ओके वहाँ पे कंपिलक के फ्रूट होते हैं, लाल कलर का कुछ फ्रूट होता है उस, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जब हम कंपिलक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके रेड कलर के फूल होते हैं, सॉरी रेड कलर के उसके फ्रूट होते हैं और उस फ्रूट के ऊपर वहाँ पे कुछ फर होते हैं, कुछ वहाँ पे रैशेस पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कलेक्ट करके यूज़ करते अपने इस कल्प में, अपने इस साधारण रस में ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कंपिलक चूर्ण बोलते हैं ओके। तो कंपिलक के प्लांट का कंपिलक चूर्ण हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ओके। देन वहाँ पे क्या है गौरी पाषाण, गौरी पाषाण मतलब वहाँ पे इसको हम सोमल भी बोलते हैं, वहाँ पे इसको सखियाँ भी बोलते हैं ओके, इसको हम वहाँ पे वाइट अर्सेनिक भी बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम दिए गए ओके, सोमल बोलो, सेमल बोलो, वहाँ पे गौरी पाषाण बोलो, वाइट अर्सेनिक बोलो ओके। तो अर्सेनिक का कंटेंट है अर्सेनिक, यू ऑल नो दैट, मैंने हड़ताल और मनशिला के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था महाराष्ट्र के कंटेंट में, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अर्सेनिक जो होता है यानी कि जो हड़ताल होता है, हड़ताल हमारा अर्सेनिक ट्राइसल्फाइड होता है और जो हमारा मनशिला होता है वो अर्सेनिक ट्राइसल्फाइड होता है ओके। तो अर्सेनिक के जो कंटेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में बहुत ही उनका यूज़फुल काम होता है, लेकिन आपको वहाँ पे एक प्रिकॉशन या फिर वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर अपने वहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, दैट इज़ नथिंग बट जो आर्सेनिक के जो कंटेंट होते हैं वो विषद्रव्य होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हड़ताल और मनशिला के बारे में कि हड़ताल और मनशिला का जो हम शोधन करते हैं, वहाँ पे जो शोधन की जो मैंने विधि बताई थी कि कुष्मांड स्वरस में उनका हम शोधन करते हैं, उनका निम्बू स्वरस में हम शोधन करते हैं, देन वहाँ पे मनशिला के बारे में मैंने बताया था कि उसको हम निम्बू स्वरस से भावना करते हैं, सात बार भावना करते हैं, अदरक स्वरस से उनको सात बार भावना करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा कि इनको जब शोधन करते समय, इनका जब प्यूरिफिकेशन करते समय, प्यूरिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी कंटेंट के जो दोष होते हैं, उनके जो विष होते हैं या फिर उनके जो समथिंग जो दोष बॉडी में जाने के बाद जो विषाक्त लक्षण कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे नॉन बेनिफिशियल जो हमारे बॉडी के लिए जो इफेक्ट होते हैं वो अगर प्रोड्यूस करें, उनको हम इरेडिकेट कर दें, उनको हम निकाल दें एक पद्धति के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं शोधन बोलते हैं। तो हड़ताल और मनशिला के शोधन करते समय मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वहाँ पे हम क्या करते हैं अलग, मतलब वहाँ पे एक सावधानी की तरफ में एक वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करके हम उनका शोधन करते हैं, क्योंकि वो विषद्रव्य है, क्योंकि अर्सेनिक के कंटेंट जितने भी होते हैं वो विषद्रव्य के होते हैं। जब मैं गौरी पाषाण के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अल्टीमेटली गौरी पाषाण जो होता है ये वाइट कलर का कुछ समथिंग कंपाउंड होता है, वाइट कलर का एक समथिंग पाउडर होता है ओके, नॉट पाउडर, पाउडर पहले तो ये पाउडर तो नहीं रहता है, ये समथिंग वहाँ पे कुछ सॉलिड पार्ट का समथिंग ऐसा रहता है और उनको हम क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में कलर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाइट कलर के होते हैं और ये रेड कलर के भी पाए जाते हैं, लेकिन रेड कलर जो होता है वो नेचुरल सोर्स होता है, उनको हम माइन करके बाय डिगिंग अंडरग्राउंड फ्रॉम अंडरग्राउंड हम उनको निकालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं निकलते हैं, वो ज़्यादा जो उनकी जो क्वांटिटी होती है दैट मच क्वांटिटी वी कॉन गेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन ओके, दैट्स वाई वी प्रिपेयर ओके आर्टिफिशियल हम उनका प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कृत्रिम सोमल बोलते हैं ओके। तो ऑलरेडी जब मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में बताऊँगा, नवसारक, नवसारक मतलब होता है नवसादर ओके, तो नवसादर दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड जिन्हें हम बोलते हैं। कपर्द, कपर्द मतलब एस यू ऑल नो दैट कपर्द, शंख, शुक्ति, कपर्द, पवाल, मुक्ताफल ओके। तो सुधा वर्ग जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि कपर्द ये जो क्या होता है कवरीज जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक वहाँ पे कंपाउंड होता है, यानी कि ये कपर्द हो गया हमारा या फिर शंख हो गया या फिर शुक्ति हो गया ओके। तो शंख आई सी ऑल नो दैट कॉन्ग शेल जिन्हें हम बोलते हैं, शुक्ति हम वहाँ पे पर्ल्स ऑयस्टर बोलते हैं ओके। तो शंख, शुक्ति, प्रवाल और ये समथिंग कपर्द, यानी कि जिन्हें हम कपर्दिका भी बोलते हैं, वराहतिका भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हार्ड कवरिंग होते हैं किसके, एक फाइलम मोलस्का का एक एनिमल होता है, इसके हार्ड कवरिंग होते हैं, जो कि फाइलम मोलस्का का जो एनिमल होता है वो हमारे एक्वेटिक सोर्स यानी कि वो जो जितने भी रिवर्स हो गए, जितने भी वहाँ पे समुद्र होते हैं उन पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं ओके। तो वो पर्टिकुलर रीजन में उनको वो प्रोटेक्ट रहें, वो वहाँ पे उनको कोई इंजरी ना हो, उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, दैट्स वाई वहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग वहाँ पे डेवलप होता है ओके अराउंड दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं हार्ड कवरिंग बोलते हैं, वही हार्ड कवरिंग का जो रेमिनेंट पार्ट होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कपर्दिका बोलते हैं ओके। देन वहाँ पे वन्नी जार के बारे में बताऊँगा, वन्नी जार जो होता है वेल फिश का एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ओके। जब वेल फिश जब वहाँ पे डाई हो जाते हैं अल्टीमेटली ये भी नेचुरल सोर्स ही होता है,
नेचुरल सोर्स मतलब वहाँ पे एक्वेटिक सोर्स का एक समथिंग वहाँ पे ये सोर्स होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर वहाँ से ये गेन होता है हमें। तो वन्नी जार मतलब इन्हें अग्नि जार भी बोलते हैं, वन्नी जार भी बोलते हैं। तो वेल फिश का इंटेस्टाइन जब मतलब जब वेल फिश जब डाई हो जाते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, ओके, इंटरनली जब वो समुद्र के अंदर जब वो रहते हैं और जब इंटरनली उनका जब डेथ हो जाता है, उनके इंटेस्टाइन जो पार्ट होते हैं, ओके, वो इंटेस्टाइन पार्ट फ्लोट होकर और समुद्र के सरफेस पर, यानी कि जितने भी वहाँ पे जो भी एक्वेटिक सोर्स होता है उनके ऊपर वो फ्लोट होके अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, हमारे सी फेस पे आ जाते हैं, मतलब समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं, ओके, तब हम उनको कलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि वन्नी जार जिन्हें हम अग्नि जार भी बोलते हैं, ये अल्टीमेटली कोई हम उनको डिगिंग करके फ्रॉम अंडरग्राउंड कोई ये मेटल या फिर मिनरल्स नहीं है, ये वेल फिश का रेमिनेंट पार्ट है, ये वेल फिश का इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वन्नी जार बोलते हैं। देन वहाँ पे मैं आपको गिरी सिंदूर के बारे में बताऊंगा। गिरी सिंदूर, गिरी मतलब होता है पहाड़ और सिंदूर मतलब होता है रेड कलर, ओके। तो रेड कलर के चूर्ण, रेड कलर के कुछ पार्ट वहाँ पे पहाड़ों से गिरते हैं, ओके, माउंटेन से गिरते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गिरी सिंदूर बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इसके बारे में बताऊंगा मैं कि इसका जो जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ओके, HGO जिन्हें हम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देन वहाँ पे हिंगुल के बारे में बात करूंगा मैं, जिनका वहाँ पे जो इंग्लिश नेम होता है सिन्नाबार जिन्हें हम बोलते हैं, HGS जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। तो हिंगुल से हम क्या करते हैं, पारत को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंगुलोक्त पारत बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे ऊर्ध्व पातन यंत्र, देन वहाँ पे विद्याधर यंत्र, ओके। तो ऐसे समथिंग बहुत सारे यंत्र की विधि बताई गई है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हिंगुल से पारत को निकालते हैं, ओके, पारत का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हिंगुल, दैट इज नथिंग बट HGS, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिन्नाबार बोलते हैं। तो हिंगुल को अलग अलग नाम है, दरद नाम है उसको, देन वहाँ पे उसको कुछ लोग समथिंग ऐसे कुछ सिंगर्फ नाम है उसको, तो ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हिंगुल को। तो मैं आपको हिंगुल जब डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे आपको और अच्छे से डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देन वहाँ पे मृदार सिंह समथिंग वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो अल्टीमेटली गिरी सिंदूर और जो मृदार सिंह है, ये कॉन्ट्रावर्सल ड्रग होता है, इनका जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि गिरी सिंदूर जो इनका जो इफेक्ट होता है, अगर बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इंटरनली इनका अगर यूज़ कर लिए तो लैरिंग्स के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, मतलब वहीं पे हमारा जो वॉइस यानी कि जो स्पीच करने की जो एक्टिविटी होती है वो लॉस हो सकती है, ओके, क्योंकि जो गिरी सिंदूर होते हैं उनका जो मेन विषाक्तता होती है, यानी कि ये विषद्रव्य नहीं होते, लेकिन इनके जो इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट जो होते हैं, या फिर आप एडवर्स इफेक्ट बोलो या फिर साइड इफेक्ट बोलो, व्हाटएवर यू से, इनका अल्टीमेटली जो इफेक्ट होता है वो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पे होता है, यानी कि जो लैरिंग्स होता है उनके ऊपर पड़ता है, और अल्टीमेटली जब लैरिंग्स अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो वी कान से एनीथिंग, ओके, यानी कि हम स्पीचलेस हो जाएंगे। तो दैट इज नथिंग बट गिरी सिंदूर, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रग। और अगर इसके कुछ प्रोडक्ट बनते भी हैं, जैसे कि गंधक आदि मल एक प्रोडक्ट बनता है, तो वो लेपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब ओनली बाह्य प्रोगार्थ हम इनका यूज़ करते हैं। तो यही इनकी मेन पॉइंट होते हैं, आपको वहाँ पे याद रखना है कि गिरी सिंदूर का इंटरनली यानी कि आभ्यंतर यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रावर्सल, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्ट्रावर्सल ड्रग। एंड अलॉन्ग विद दैट जो मृदार सिंह होता है, मृदार सिंह आपको नेम थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अलग लगता रहेगा कि मृदार सिंह व्हाट इज़ दैट, मृदार सिंह अल्टीमेटली ये भी क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है, और वो हम माइन करके एक जो हमारा जो खनिज सोर्स होता है जिन्हें मिनरल सोर्स बोलते हैं, ये ऐसे मिनरल हमारा एक रहता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदार सिंह बोलते हैं, ओके, येलो कलर का एक कंटेंट होता है। तो हिंगुल रेड कलर, गिरी सिंदूर अगेन रेड कलर का कंटेंट है, वन्नी जार अगेन ये भी रेड कलर का समथिंग एक पार्ट होता है, कपड़दक दैट इज इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, श्वेत पीत है ना धूसर कलर के, अगेन वहाँ पे जो मेन यूज वाला हमारा जो कलर होता है वो येलो वेराइटी का होता है, ओके। देन वहाँ पे नौसादर की बात करूँगा मैं, ये भी वाइट कलर का होता है, गौरी पाषाण अगेन वाइट कलर, और देन कंपिलक जो होता है, कंपिलक चूर्ण जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा रेड कलर का होता है, ओके। तो ये टोटल मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इति अष्टो साधारण रस है, इति स्मृताम, ऐसा आपको याद रखना है, स्मृताम मतलब याद रखना है, इतने साधारण रस होते हैं, ओके। तो कंपिलक, गौरी पाषाण, नौसादर, देन वहाँ पे कपर्द, वन्नी जार, गिर सुंदूर, हिंगुल एंड मृदार सिंह, दीज आर द 8 साधारण रस विच वी आर यूजिंग इन आवर रसशास्त्र, ओके, फॉर वेरियस प्रोडक्ट, फॉर वेरियस कल्पास, ओके। तो एक एक के बारे में डिस्कस करूँगा आपको मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कंपिलक के बारे में दिखा दूँ,
कि माइलोट्रस फिलिपिनेंसिस इसका लैटिन नेम होता है, एक प्लांट होता है कंपीलक का। तो कंपीलक का ये आपको फल दिखता रहेगा, ओके। तो इसी फल के ऊपर बहुत सारे रेशेस वहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग समथिंग कुछ पाए जाते हैं, ओके। तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, फर बोलते हैं, ओके, फ्रूट फर बोलते हैं। तो फ्रूट के ऊपर जो भी ये कुछ आपको दिखता रहेगा उन्हीं को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपीलक चूर्ण बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये बहुत ही थोड़ा सा ओल्ड हो गया, दैट्स वाई थोड़ा सा वहाँ पे ब्राउनिश कलर का हो गया। तो समथिंग आपको कंपीलक जो चूर्ण होता है वो, जैसे आपने इस्टिका चूर्ण देखा रहेगा, इस्टिका मतलब क्या होता है, ईटा, ओके, ईट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो ब्रिक्स के जो चूर्ण होते हैं, ब्रिक्स के जो पाउडर होते हैं, इक्वली रिजम्बल वाला ये चूर्ण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपीलक चूर्ण बोलते हैं, ओके। ये देखिए, कंपीलक जो चूर्ण होता है ये इक्वली रिजम्बल वाला एक कंटेंट है, ओके, कंपीलक जिन्हें बोलते हैं। तो ये देखिए, रेड कलर का हमारा कंपीलक है, ओके। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कंपीलक माइलोट्रस फिलिपिनेंसिस, दैट इज द लैटिन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। और अल्टीमेटली बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग, ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर फर्स्ट हमारा साधारण रस, आपके यूजेस अगर मैं बता दूं कि कंपीलक जो होता है हमारा, इसका जो मेन यूज़ करते हैं पित्त श्लेष्म हरी, एक समथिंग वहाँ पे एक श्लोक आया है, पित्त श्लेष्म हरी मतलब कफ और पित्त को शमन करता है, ओके। तो डिस्कस करूँगा जब मैं यूजेस की बात करूँगा। तो अल्टीमेटली कंपीलक जो होता है विरेचन करवाता है, ओके, विरेचन करवाता है। और आपको क्या याद रखना है कि कंपीलक जो होता है वो कृमिघ्न होता है, ओके, जैसे विडंग हमने पढ़ा था, विडंग क्या होते हैं, कृमिघ्न होते हैं, कंपीलक क्या होता है, ये भी कृमिघ्न होते हैं, ये सभी विडंग हो गया हमारा, या फिर हमारा वहाँ पे कंपीलक हो गया, ये सभी कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये सभी वहाँ पे जो हमारा पकवाशय का जो सिस्टम होता है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिस्टम होता है वहाँ पे वो एक्ट करते हैं। तो जैसे कि चाइल्डहुड में, चाइल्ड वहाँ पे जो एज आता है, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो चाइल्ड्स होते हैं उनको बहुत सारे टेपोम्स की प्रॉब्लम आती है, ओके, वहाँ पे टेपवॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, समथिंग वहाँ पे बहुत सारे फीटा क्रीमी जिन्हें बोलते हैं वो सभी वहाँ पे पाए जाते हैं, ओके, रेक्टली वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो बाय द विरेचन, बाय द कंटिन्यू लूज मोशन, ओके, तो उनको क्या होता है, वो निकल जाते हैं दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, क्रीमिंग नहीं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज आई है, ओके। तो एक एक के बारे में बात करते हैं, इनका जो सोर्स होता है कंपीलक का, अल्टीमेटली मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट सोर्स होता है, ओके, प्लांट के फ्रूट जो होते हैं, कंपीलक का जो फ्रूट होता है उन्हीं के फ्रूट का हम क्या करते हैं, रज कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। तो फ्रूट फर इज कलेक्टेड एंड अल्टीमेटली वी आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर चूर्ण एंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स वी कॉल एज द कंपीलक चूर्ण, ओके। तो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। तो अगर वीडियो आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर प्रॉपर नहीं आती रहेगी तो यू कैन इंक्रीज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, ओके। तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड जो है थोड़े से वो छोटे हो गए, ओके। तो प्लांट सोर्स, द फर ऑफ द फ्रूट ऑफ द माइलोट्रस फिलिपिनेंसिस वी आर यूजिंग, ओके। तो इनका जो पाउडर होता है दैट पर्टिकुलर फलरज, यानी कि पाउडर ऑफ फलरज हम यूज़ करते हैं। तो इनका जो शोधन होता है, मैं आपको एक विशेष तरीके से आपका इसका शोधन बताऊंगा, ओके। तो पाउडर ऑफ फलरज आपको यहाँ पे पता चल गया रहेगा, ओके। तो अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है कि फर ऑफ द फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर जो जो लोकेटेड थिंग्स होते हैं उन्हीं को हम कलेक्ट करके क्या करते हैं, कपिलक चूर्ण बनाते हैं, ओके। तो शोधन जो होता है इनका, तो आपको देख सकते हो ये जो चूर्ण है इनके लाइट वेट होती है, यानी कि अगर आप स्टिका चूर्ण की बात करेंगे या फिर वहाँ पे यानी कि जो ब्रिक्स पाउडर होते हैं उनकी बात करोगे और वहाँ पे आप कंपीलक चूर्ण की बात करोगे तो समथिंग इनमें थोड़े से डिफरेंस आते हैं कि जो स्टिका चूर्ण वाले जो कंटेंट होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, ओके, और वो सेडिमेंट हो जाते हैं। अगर आप उनको वाटर में डालोगे वो सेडिमेंट हो जाते हैं, पूरे तो सेडिमेंट नहीं होंगे, सम पार्ट विल बी फ्लोट ओवर द सर्फेस, बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कंटेंट होगा जो ब्रिक्स पाउडर का वो सेडिमेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो हमारा जो कंपीलक चूर्ण होता है और जो ब्रिक्स पाउडर होता है, कंपीलक जो चूर्ण होते हैं वो लाइट इन वेट के होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे फ्लोट ओवर द वाटर सर्फेस, ओके। तो इनकी जो शोधन होती है, आपको क्या करना है, वाटर के अंदर कंपीलक चूर्ण को डाल देना है, जो रेड कलर की जो मैंने आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया मैंने कि कैसा दिखता है वो, उसको पानी में डाल देने के बाद क्या होता है, आफ्टर वेटिंग 5 मिनट जितने भी चूर्ण वाटर सरफेस के ऊपर जो फ्लोट होते हैं वो आपको कलेक्ट करके आपको ड्राई करना है सनलाइट के अंदर, वही अल्टीमेटली का शोधन हो जाता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, कंपीलक चूर्ण को पानी में डालने के बाद वो जो चूर्ण में से जो चूर्ण फ्लोट करेगा वाटर सरफेस के ऊपर
वो चुनने को आपको कलेक्ट करने का है, कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सनलाइट में, सनलाइट के एक्सपोजर में या फिर सनलाइट में आपको उसको सुखा देना है। और जो चूर्ण आपको अगेन यहाँ पे गेन होती है वही हमारा शुद्ध कम्प्लेक्स चूर्ण होता है, ओके, उसी का हमें यूज़ करना है, ओके। तो द चूर्ण विच फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस एंड अल्टीमेटली देर इज अ शुद्ध कम्प्लेक्स वी गेट, ओके। अगर आप कम्प्लेक्स का शोधन नहीं करोगे तो क्या इफेक्ट दिख सकते हैं, तो कॉलेरा, डिजेंट्री, ये दो कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। वहाँ पे कॉलेरा जिन्हें हम वहाँ पे विसूचिका जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, तो ये कंडीशन वहाँ पे अलसक और विसूचिका समथिंग कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है अगर हम कंपिल्ले का शोधन नहीं करेंगे, ओके। तो ये देखिए, द कलेक्ट एंड ड्राई इट इन सनलाइट, नो टाइप दैट इज नथिंग बट वहाँ पे जो कॉलेरा एंड जो डिसेंट्री का जो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो पॉइंट था वो गौरी पाषाण में भी हम देखेंगे, ओके। तो यानी कि गौरी पाषाण का जो शोधन नहीं करते तब सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इनके जो टाइप्स होते हैं, इनके टाइप्स, कोई टाइप्स नहीं बताए गए, नो टाइप्स इज डिस्क्राइब बाय एनी आचार्यस और एनी रसरतनंगड़ी, नॉट एनी वहाँ पे रसरतन समुच्चय, ओके। तो दैट इज नथिंग बट नो टाइप्स, ओके। तो इनके जो यूजेस की अगर मैं बात करूँ, आद्यो अतिरेचनम, ओके, आद्यो अतिरेचनम मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, जैसे कि आद्यो मतलब होता है जिनके पास मनी ज़्यादा होते हैं, ओके, रिच पीपल जिन्हें हम बोलते हैं, तो मनी ज़्यादा होना इन्हें हम क्या बोलते हैं, आद्यो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आद्य का मतलब है, आद्यो अतिरेचनम मतलब जो लूज मोशन होता है, जो परगेशन वाला जो थेरेपी होता है जिन्हें हम बोलते हैं, ये ज़्यादा करवाते हैं, ओके। तो लूज मोशन तो बहुत सारे ऐसे करने वाले ड्रग हैं, जैसे त्रिवृत्त हो गया हमारा, ओके, दंती है हमारा, जयपाल है। तो इन दैट सेम मैनर हमारा जो कंपिल्लक होता है वो भी रेचन की एक्टिविटी दिखाता है, मतलब क्या करता है, थोड़ा सा लूज मोशन करते हैं, और लूज मोशन ज़्यादा करने आने वाला रहता है, दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हैं, आद्य बोलते हैं। आद्य हमने बोला जिसके पास पैसा ज़्यादा है, मनी से हमने रिजेंबल किया तो पैसा ज़्यादा वाला हमने उनको वहाँ पे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, ओके, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ओके। तो आद्य मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रेचन वाले जो द्रव्य होते हैं उनसे ज़्यादा रेचन करने वाला जो ये पर्टिकुलर जो द्रव्य होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आद्यो अति रेचनम। तो स्ट्रांग परगेटिव होता है एंड दैट्स वाई ये क्रिमिग्नी की एक्टिविटी शो करते हैं। जितने भी वहाँ पे जो मैंने पित्त श्लेष्म हरी एक कंटेंट मैंने ये श्लोक बोला था, तो पित्त श्लेष्म हरी मतलब कफ और पित्त को शमन करते हैं, दिस पर्टिकुलर ड्रग पैसिफाई द पित्त ने कफ दोषा, ओके। तो बड़े हुए जो पित्त जो दोष होते उनका शोधन करता है, ये शोधन कैसे करता है, बाय विरेचन। पित्त दोष का मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, विरेचन, ओके। यू ऑल नो दैट कि हम शमन कर्म से, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा, ये दो थेरेपी से, दो चिकित्सा के थ्रू हम पर्टिकुलर जो बॉडी होती है उनको बैलेंस करते हैं, ओके। अगर दोषों का शमन, दोषों का पैसिफाई करना है हमें, तो हमको दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम शमन तरीके से करें या फिर शोधन तरीके से करें। शमन जो तरीका होता है, हमें बॉडी के अंदर दोषों को शमन कर रहे हैं हम, यानी कि पैसिफाई कर रहे हैं, तो इट विल बी शमन चिकित्सा। दोषों का शमन हम क्या कर रहे हैं, दोषों को निकाल कर, ओके, जो बढ़े हुए हैं उनको निकाल दे रहे हैं हम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं। तो पित्त दोष को जो बढ़ा हुआ जो एग्रीवेटेड जो पित्त दोष रहते हैं, कंपिल्लक क्या करता है, उनको निकाल लेता है बॉडी के थ्रू, ओके। तो दैट्स वाई पैसिफाई द पित्त दोषा एंड जो इसका जो एक्शन होता है स्ट्रांग परगेटिव होता है, ओके, आद्यो अतिरेचनम इसको हमने बोला है, ओके। देन यहाँ पर विबंध हर यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ये हरता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। तो अगर कोई पेशेंट है कि वो बहुत दिनों से उसको मल प्रॉपर नहीं हुआ है, उसको डिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है बहुत दिनों से, तो हमें कम्प्लेक्स चूर्ण वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन और टू पर्टिकुलर पेशेंट, ओके। तो पित्तव्रण आदमान हरी, पित्तव्रण मतलब अगर कोई वहाँ पे ऊंच डेवलप हुआ है जो कि पित्त दोष का रहेगा, ओके, तो अल्टीमेटली पित्त दोष का अगर कोई ऊंच रहेगा, कोई घाव रहेगा, तो कैसे हुआ रहेगा, पित्त दोष के वजह से हुआ रहेगा, ओके। और जो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो दिखते भी रहेंगे वो पित्त दोष के दिखते रहेंगे। तो पित्त दोष अगर बढ़ा हुआ रहेगा, अगर बॉडी से अगर निकल जाएगा, तो सिम्टम्स भी वहाँ पे जो उसका जो सिम्टम्स रहेगा वो वहाँ पे हमारा शमन हो जाएगा, ओके। और जो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स जो दिखते रहेंगे वो नहीं दिखेंगे, ओके। तो पित्त वर्ण आदमान हरी मतलब होता है कि आदमान जो गैस होते हैं उनको भी ठीक करते हैं, ओके। देन वहाँ पे क्रिमिग्न टेपॉर्म, जैसे वहाँ पे मैंने बताया आपको, इन कॉन्स्टिपेशन भी इनका यूज़ करते हैं हम, ओके। क्रिमिग्न में की बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि चिल्ड्रंस में मेनी प्रॉब्लम, जो पेडेट्रिक के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस के जितने भी पेशेंट होते हैं, उनमें
जो टेल पम्प्स की जो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि दे आर वेरी इनलेंजिंग और दे वेरी कंज्यूम इन द लार्ज अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मधुर और स्वीट फूड्स. ओके, तो दैट्स वाई दे डेवलप अ पर्टिकुलर, वहाँ पे कृमि जो डेवलप होते हैं उनका निकालने का जो काम होता है वो हमारा उनको मारने का काम करता है और उनको निकालता भी है, दोनों काम क्या करता है हमारा कंप्लीट करता है. ओके, शोफ और ज्वर शूल हरी. ओके, शोफ यानी कि इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है वो, ज्वर यानी कि अगर कोई फीवर रहेगा उनको भी ठीक करता है, और शूल मतलब अगर वेदना रहती है उनको वो हील करता है. ओके, देन वहाँ पे फॉर्मुलेशन की बात की है, तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन बेस्ट फॉर्मुलेशन आरोग्यवद कपिलावती. ओके, तो आरोग्यवद कपिलावती डायरेक्टली इनका यूज़ करते हैं हम, और अगर इनका मात्रा की बात करें तो अल्टीमेटली जो कल्प का जो मात्रा होगा वही इनकी मात्रा होती है. तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट जो फॉर्मुलेशन है आरोग्यवद कपिलावती जिन्हें हम बोलते हैं, ये मेन ये जो हमारा जो वटी होता है ये कीड़े को मारने के लिए यानी कि जो कृमि होते हैं उनको मारने के लिए हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में. आरोग्यवद कपिलावती ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करते क्योंकि विरेचन की एक्टिविटी शो करता है, परिगेशन एक्टिविटी शो करता है. ओके, लूज मोशन दिखाता है, दैट्स वाई इनकी जो क्वांटिटी होती है इनका जो मात्रा होती है ज़्यादा नहीं होती है, मिलीग्राम्स में होती है. आप तो जानते ही हो कि रसशास्त्र में जितने भी हम रस औषधि प्रिपेयर करते हैं वो सभी क्या होते हैं वहाँ पे इनकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, मिलीग्राम्स में होती है. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड ग्राम विल बी 1000 मिलीग्राम. ओके, एंड वी आर यूजिंग दैट 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम इन दिस वे. ओके, तो यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई रसशास्त्र के मैंने जब एम्स की बात की थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अल्प मात्रे उपयोगित्वाद अरुचिर प्रसंगत क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वाद औषधम अधिको रस. ओके, यानी कि जल्दी से एक्टिविटी शो करते हैं, अलॉन्ग विद दैट इनकी जो मात्रा होती है यूज़ करने की बहुत कम होती है, दैट्स वाई पैलेटेबिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है दवा, या फिर वहाँ पे इसको स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसकी मात्रा ही बहुत कम है. जैसे कि हर्बल रस की बात करें तो हमें यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, काढ़ा पीना पड़ता है. 40-60 ml आप काढ़ा पियो, 100 ml की काढ़ा पियो, देन वहाँ पे 80 ml आपको पीला, यानी कि वहाँ पे 2 पल 3 पल ऐसे वहाँ पे मात्रा बताई जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि हर्बल ड्रग्स जो रहते हैं जितने भी यहाँ पे हर्बल जो औषधि रहती है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है और रस औषधि की मात्रा कम होती है, वो उसी के बेसिस पर होती है कि ये उसी कम क्वांटिटी में अपने एक्शन शो कर देते हैं और क्या करते हैं ये, और जो उनका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है. क्षिप्रम आरोग्यम दायित्व, जल्दी से वो जो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो हमने यूज़ किया है उसको जल्दी से ठीक करते हैं. ओके, तो ये पर्टिकुलर रसशास्त्र के बारे में डिस्कस किया हमने, हमारा मेन पॉइंट पे आते हैं हम. ओके, आरोग्यवद कपिलावती मेन कल्प आता है इसमें, और हमारा एक कंपिलक चूर्ण आता है. कंपिलक चूर्ण इज अवेलेबल इन मार्केट. ओके, यू कैन दिस यूज पर्टिकुलर दिस कंटेंट, बट आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में इसका यूज़ करना है. कॉसेस मैंने बताया और वहाँ पे क्या हो सकता है ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया. ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में जिन्हें हम सोमल बोलते हैं, जिन्हें हम सेमल भी बोलते हैं, जिन्हें हम गौरी पाषाण बोलते हैं, जिनका वाइट अर्सेनिक नाम है. ओके, तो हड़ताल और मनीषिला ये भी अर्सेनिक कंपाउंड होते हैं. अर्सेनिक ट्रासल्फाइड जिन्हें हम हड़ताल बोलते हैं, और अर्सेनिक डायसल्फाइड जिन्हें हम मनीषिला बोलते हैं. तो अल्टीमेटली क्या है, हड़ताल और मनीषिला ये महारस का एक रस द्रव्य होता है. तो जितने भी महारस के उपरस के साधारण रस के जो कंटेंट होते हैं उन्हें हम रस द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि रसशास्त्र में हम उनका यूज़ करते हैं. ओके, दैट्स वाई वी आर प्रोनाउंसिंग और वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स एज अ रस द्रव्य. ओके, तो गौरी पाषाण जिन्हें हम वाइट अर्सेनिक भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, विट्रस भी बोलते हैं. ओके, यहाँ पर इसलिए ये नाम दिया गया है. तो ये देखिए, ये दो कलर के होते हैं, श्वेत अर्सेनिक जिन्हें हम वाइट सोमल भी बोलते हैं, और हमारा एक रेड अर्सेनिक जिन्हें हम बोलते हैं. श्वेत अर्सेनिक जो हम बोलते हैं इनको हम एक और नाम से बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वहाँ पर हमारा क्या होता है, ये अर्सेनिक होता है. और हमारा जो नेचुरल यानी कि प्राकृत जो वहाँ पर हमारा गौरी पाषाण होता है यानी कि जो हमारा सोमल होता है ये रेड इन कलर का होता है. तो नॉर्मली मैंने आपको बताया ही है कि रेड कलर के अर्सेनिक मार्केट में प्रोवाइड नहीं होते हैं, ये कम मात्रा में होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो अंडरग्राउंड से जो यानी कि जो नेचुरल सोर्स होता है, मिनरल सोर्स होता है, ये कम मात्रा में इनको हमें गेन करने को मिलता है. जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो वाइट कलर की अवेलेबल होती है. ओके, तो वाइट कलर की यहाँ पे अवेलेबल होती है. क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सोमल बोलते हैं. ओके, तो ये देखिए गौरी पाषाण इन्हें बोलते हैं. तो ये देखिए वाइट कलर का ये सब कंटेंट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमल बोलते हैं. ओके, सेमल बोलो, सोमल बोलो, गौरी पाषाण बोलो,
that all is nothing but white arsenic. ओके, इन्हें हम एक और एक नाम से देते हैं जिन्हें हम सखियाँ भी बोलते हैं. ओके, सखिया, सोमल, सेमल, गौरी पाषाण, इतने सारे नाम हैं. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड. मैंने आगे ना आगे आपको नाम बता रहा हूँ कि आपको बाहट हो जाए, वो आपको याद हो जाए. ओके, तो वाइट कलर के आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया हुआ हमारा सेमल है, प्रिपेयर किया हुआ सखियाँ है. ओके, तो ये देखिए ऑल्सो कॉल एस सेमल और सोमल, यही इनके बारे में मैंने बताया आपको, कॉल एस वाइट अर्सेनिक. ओके, तो इनके बारे में अगर बात करूँ मैं, तो ये देखिए जो ये फार्मूला जो दिया गया है, ये इनका केमिकल फार्मूला है. आपको वहाँ पे अगर इंग्लिश के अगर इनको इंग्लिश नेम में बताया आपको, तो रेड सॉरी वाइट अर्सेनिक मैंने आपको बताया. ओके, तो येल्लो अर्सेनिक हमने हड़ताल को बोला था, रेड अर्सेनिक हमने मनशिला को बोला था. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइट अर्सेनिक की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गौरी पाषाण बोलते हैं, जिन्हें हम सेमल बोलते हैं, जिन्हें हम सोमल बोलते हैं, जिन्हें हम सखियाँ भी बोलते हैं. ओके, तो इनके शोधन की बात करूँगा मैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि जो साधारण जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से गौरी पाषाण जो है ये विष द्रव्य के अंतर्गत आता है. क्यों? क्योंकि इसमें अर्सेनिक पाया जाता है. अर्सेनिक वाले जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी रस द्रव्य होते हैं, दे ऑल आर विष द्रव्य. ओके, दे ऑल आर एक्ट एज अ पॉइजनिंग. अगर पॉइजन होंगे तो अपने क्या करेंगे, विषाक्त लक्षण करते हैं. ओके, तो जब वहाँ पे कंपिलक के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या करते हैं, कॉलरा एंड डिसेंट्री करते हैं अगर इनका शोधन नहीं किया गया तो वो थोड़े से जो कंटेंट मैंने बताया था तो वो थोड़े से कम इनका इफेक्ट होता है. मतलब वो जो कॉलरा डिसेंट्री की जो मैंने बात की थी वो माइन्यूट से देखा जाता है, वो बहुत ही कम देखा जाता है. लेकिन कॉलरा एंड डिसेंट्री वाली जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो गौरी पाषाण से बहुत देखी जाती है. मतलब सीवियर पर्टिकुलर कंडीशन में देखी जाती है. क्यों? क्योंकि जो अर्सेनिक है जो गौरी पाषाण के अंदर जो पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वाइट कलर का है, वो विषद्रव्य है. ओके, तो सिनोनिम्स हमने बात ऑलरेडी कर ही दिया है, सोमल बोलो, सखिया बोलो, या फिर वहाँ पे आप शंखमुष भी बोलते हैं. शंखमुष मतलब अगर आप इनको रख दोगे अपने घर के अंदर तो वहाँ पे जो माउस होते दे विल नॉट बी कम इन टू द योर हाउस. ओके, और वो क्या होते हैं, वो मर भी जाते हैं, इसलिए इनका नाम शंखविष भी बोला है. यानी कि माउस के लिए वहाँ पे ये विष भी एक्ट हो सकता है. ओके, शोधन की अगर बात करूँ मैं, शोधन इनका मैंने अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया कि कारवेल्लक स्वरस, मेघनाथ स्वरस. तो कारवेल्लक स्वरस यानी कि जो जो कषाय वाला जिन्हें हम करेला बोलते हैं. ओके, तो उनका एक्सट्रैक्टिव से आपको क्या करना है, मर्दन करना है. तो कारवेल्लक स्वरस की जो मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैंने और एक हम चौलाई स्वरस की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कोई भी चीज़, देन वहाँ पे मैं आपको करता हूँ, वहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ. ओके, तो आपको क्या हो वहाँ पे आप कंपेयर भी कर सको, और जो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया है, यू कैन ऑल्सो कंपेयर विद दैट. ओके, तो दैट्स वहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ, देन वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, प्रेजेंट करूँगा. ओके, तो जो कारवेल्लक है, जो चौलाई चौलाई बोलो या फिर मेघनाथ बोलो, तो इनके स्वर से हम क्या करते हैं, सोमल को मर्दन करते हैं. सोमल क्या करते हैं, ट्रिचुरेशन करते हैं. ये जो रेफरेंस है कारवेल्लक और मेघनाथ स्वर से मर्दन करने का, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में रेफरेंस नहीं मिलेगा. ओके, तो अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा गया है कि वहाँ पे गोदुग्ध में हम इनका क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं डोलाइंडर के थ्रू. डोलाइंडर कैसे दिखता है, जब हमें कपरदिक के बारे में जब मैं बताऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर मैंने डोलाइंडर के मैंने वहाँ पे कैसे दिखता है वो, उसको मैंने एक हैंडमेड डायग्राम मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ओके, तो डोलाइंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, गोदुग्ध में इनका स्वेदन करते हैं, और इन्हीं से क्या होता है, इनका शोधन हो जाता है, क्योंकि अर्सेनिक होता है, इनका शोधन मस्ट है. ओके, तो दैट्स वाई इनका शोधन हम करते हैं. तो और ये देखिए ट्रिचुरेशन विद कारवेल्लक स्वरस, और जो हमारा होता है चौलाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेघनाथ स्वरस बोलते हैं. तो चौलाई स्वरस और मेघनाथ स्वरस से इनका मर्दन करना जरूरी होता है इनके शोधन के लिए. ओके, और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि गोदुग्ध से इनका मर्दन करना है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो मैंने ये रेफरेंस लिखा है, तो मैंने गोदुग्ध की जो मैंने बात की है, आपको वहाँ पे रिजम्बल करना है, या फिर आपको कंपेयर करना है, या फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है कि गोदुग्ध में हमको स्वेदन करना है डोलाइंडर की विधि से एक प्रहर तक, यानी कि 3 घंटे तक. ओके, तो डोलाइंडर यानी कि जब हम क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, पोटली बनाकर क्या करते हैं, सोमल की पोटली बनाकर, सोमल के छोटे छोटे टुकड़े करके पोटली बनाकर गोदुग्ध में हैंग आउट करते हैं बाय पर्टिकुलर वुड रॉड या फिर वहाँ पे आयरन रॉड. ओके, तो उनको हम क्या करते हैं, दूध में वहाँ पे डिप करते हैं. ओके, इट शुड नॉट बी टच एट द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉट. ओके,
देयर वी हैव प्लेस दैट पर्टिकुलर लिक्विड दैट इज कॉल्ड गोदुग्ध। ओके, तो गोदुग्ध के सॉरी पौध के तल में वो टच नहीं होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, फुल्ली डिप होना चाहिए पोतली इनटू द गोदुग्ध के अंदर। ओके, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं कपरदेक के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर हैंडमेड वहाँ पे मैंने डोलैंडर के बारे में फोटो वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया। ओके, तो गोदुग्ध में इनका शोधन करना है एक प्रहर तक यानी कि 3 घंटे तक इनसे इनकी शोधन हो जाती है। ये जो रेफरेंस है इनका रेफरेंस आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कारवेलक स्वरस यानी कि जो करेले होते हैं उनका स्वरस और वहाँ पे चौलाई यानी कि मेघनाथ स्वरस से आपको करना है इनका मर्दन करना है। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट प्योरीफाइड डेवलप विषाक्त लक्षण सच एज कॉलेरा एंड डिसेंट्री। कंपिलक के बारे में जब मैंने बताया था तो कॉलेरा डिसेंट्री की अगेन वहाँ पे मैंने जिक्र किया था, लेकिन वो लक्षण आप बोलो कि आप डायरेक्टली बोलो कि वहाँ पे वो लक्षण कोई भी लक्षण ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आप उनका शोधन नहीं करोगे तो कॉलेरा एंड डिसेंट्री होगा। ओके, दैट मे और मे नॉट बी हैपन, लेकिन अगर वहाँ पे गौरी पाषाण की अगर मैं बात करूँ इट शुड बी वहाँ पे हैपन होगा कि अगर इनका शोधन नहीं किया गया, आर्सेनिक है, आर्सेनिक जाने के बाद हैवी मेटल होता है और हैवी मेटल वहाँ पे क्या करते हैं दैट विल बी डिपॉजिट टू एवरी सेल्स दैट विल बी डिपॉजिट टू विशुअल ऑर्गन्स और वो वहाँ पे कॉलेरा एंड डिसेंट्री जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, इनके 2 टाइप होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया, श्वेत वेरिटी होता है जो कि हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं वाइट कलर की होती है और जो हमारा रक्त कलर का होता है। ओके, जो हम क्या करते हैं गेन करते हैं अंडरग्राउंड सरफेस से यानी कि माइन करके डिगिंग करके मिनरल सोर्स होता है ये रक्त वेरिटी का होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है दैट्स वाई वी आर प्रिपेयर श्वेत वेरिटी। ओके, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ श्वेत क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक। ओके, दैट इज़ कॉल्ड नैसर्गिक सोमल एज वेल। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया नेचुरल सोमल जिन्हें हम बोलते हैं और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सोमल हम बोलते हैं श्वेत वेरिटी वाले सोमल को। ओके, तो हम आते हैं नोट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है। दैट इज एनिंग बट एज एट अ वेरी लो टेम्परेचर आर्सेनिक कैन बी डिस्ट्रॉय और आर्सेनिक कैन बी इवेपोरेट, दैट्स वाई हम यहाँ पे शोधन करने के बाद इनका मारण नहीं करते हैं। टेक्स्ट बुक में रेफरेंस है, टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि इनका मारण किया जाता है। ओके, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो टेक्स्ट बुक है दैट इज़ नथिंग बट वो हमारे ओल्ड सिलेबस से बनी हुई है या फिर वहाँ पे जो जो सेजेस लोग जितने भी ऋषि मुनि जो लोग करते थे वो वहाँ पे उनकी इनलिस्टिंग की गई है, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में कोई भी वहाँ पे इनका शोधन सॉरी इनका शोधन तो होता है लेकिन इनका कोई मारण नहीं बताया गया। ओके, दैट्स वाई बिकॉज क्योंकि आर्सेनिक कैन बी इवेपोरेट और आर्सेनिक उड़ जाता है इफ बी वहाँ पे अप्लाई हीट करेंगे, तो आप जानते हो कि बिना हीट अप्लाई बिना कोई पुट दिए बिना मूसा में रखें किसी भी कंटेंट का हम मारण यानी भस्म नहीं बना सकते हैं। ओके, तो फॉर एनी भस्म प्रिपरेशन देयर हीट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ड्यू टू हीट आर्सेनिक विल बी इवेपोरेट एंड दैट्स वाई मारण इज़ नॉट पॉसिबल बाय दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, बाय दिस पर्टिकुलर रस द्रव्यास। ओके, तो दैट्स वाई डायरेक्ट सोदर शोमिल इज यूज इन द फॉर्म ऑफ चूर्ण। ओके, तो विष द्रव्य है, इसके कंटेंट अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही कम कंटेंट होते हैं। ओके, कंटेंट आप देख के वहाँ पे थोड़े से हैरान हो जाओगे कि एक रत्ती में आप जानते हो कि 125 मिलीग्राम होता है, अगर आप 125 मिलीग्राम को 1/120 करोगे तो कितना आपको वहाँ पे क्वांटिटी होगा आप वहाँ पे गेस कर सकते हो। ओके, 125 / 120। ओके, यानी कि वहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी हो रही है यानी कि अल्टीमेटली वहाँ पे 0 point something हो रहा है, यानी कि अगर इक्वली हम वहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट ना बताते हुए अगर बात करूँ तो 1 milligram मिल भी। ओके, तो यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी हम इनका यूज़ करते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना हम इनका यूज़ करते हैं क्योंकि ये विष द्रव्य है, आर्सेनिक इसमें पाया जाता है। ओके, अगर यूजेस की अगर बात करें तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम करते हैं, अगर अगर कोई स्नेक वहाँ पे विनम है, स्नेक अगर कोई स्नेक ने अगर कोई काट दिया है तो सर्पदंश से या फिर वृश्चिक स्कॉर्पियन बाइट्स में हम इनका यूज़ करते हैं, स्नेक बाइट्स और स्कॉर्पियन बाइट्स में हम इनका यूज़ करते हैं एज अ लेपन, एक्सटर्नल लेपन के लिए एक्सटर्नल लेपन करते हैं। ओके, सोमल का लेपन करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिन्हें बोलते हैं, दैट्स हेल्प इन द जांगव विष एनिमल पॉइजन में इनका ये हेल्प किया जाता है, एनिमल विष में इनका उपयोग किया जाता है। और किस में इनका यूज़ किया जाता है, आर्सेनिक जो होता है ब्रोंकोडायलर होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, मनशिला और हड़ताल और सोमल को तीनों मिलाकर हम इन्हें क्या बोलते हैं, मल्ल सिंदूर बोलते हैं, मल्ल बोलते हैं, मल्ल एक
तीनों आर्सेनिक का कंपाउंड है, दैट्स वाई इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो एक जो जो टर्शरी कंपाउंड जो प्रिपेयर होगा आर्सेनिक का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्ल बोलते हैं। तो वो जो मल्ल होता है वो हमारा जो हड़ताल है वो मनशिला है, और जो हमारा सोमल है इनको हम, जैसे कि आप जानते हो गुग्गुल, अब अगर आप जानते रहोगे कि वहाँ पे अगरू जानते रहोगे आप, अगर आप दूसरा नहीं जानते रहोगे आप कपूर तो जानते रहोगे, ओके। तो ये जो कपूर होता है, कपूर को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ओके। उनका हम क्या करते हैं, फ्यूम्स होता है उनको इनहेल करते हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर लंग्स, ओके। तो इन दैट सेम मैनर जो आर्सेनिक होता है, जो आर्सेनिक के जो कंपाउंड होते हैं सच एज मनशिला, सच एज हड़ताल, और या फिर आप जो सोमल है, इनका हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ओके। इनका डायरेक्टली तो जलाते नहीं है, अगर कोई जल रहा है या फिर कोई अग्नि कहीं या फिर यज्ञ वगैरह समथिंग कुछ हो रहा है, उनमें हम क्या करते हैं, डिस पर्टिकुलर कंटेंट को डालते हैं, और इनसे जो फ्यूम्स आता है, इनसे जो धुआं निकलता है, जो स्मोक वहाँ पे जो निकलता है, उनको हम इनहेल करते हैं। एंड आर्सेनिक वहाँ पे क्या होता है, इनके ब्रोंकोडायलेट होता है, वो क्या करता है, वो बॉडी में जाता है, ओके। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्रोंकोडायलेट एक्टिविटी शो करता है, और वहाँ पे श्वास कास जैसे व्याधि में इनका यूजफुल एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है, ओके। तो कॉम्बिनेशन विद हड़ताल मनशिला मेटल संख्या इज ऑल्सो एडेड इन धूपन एंड इट्स स्मोक इज इनहेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड श्वास एंड कास व्याधि में इनका उपयोग देखने को हमें मिलता है। धूमपान के समय हमें क्या करना रहता है, हड़ताल मनशिला और जो हमारा जो आर्सेनिक जो सोमल होता है वाइट आर्सेनिक, उनको हम डालते हैं, और ब्रोंको डायलेटर यानी कि ब्रोंको को डायलेट करता है, और वहाँ पे जो इनके लूमेन होते हैं जिससे जो ऑक्सीजन की जो यानी कि जो एयर की जो पैसेज होती है वो बढ़ जाए, ओके। इनका जो नेक्स्ट यूज़ होता है, ओके, अगेन वही यहाँ पे इन्होंने उसका जिक्र किया, ओके। क्योर्स व्याधि हैविंग इन्फ्लेमेशन और फीवर बोध, ओके। जिस व्याधि में इन्फ्लेमेशन है शोथ और फीवर दोनों हुआ रहता है उनमें इनका यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन सा व्याधि है, फिलेरियसिस, ओके। फिलेरियसिस इनमें एक ऐसा एलिफेंटिस आपने पढ़ा रहेगा, एक डिसीज होता है जिनमें क्या होता है, जो थाई होता है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ओके, सीवियर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, और पेशेंट सफर फ्रॉम फीवर। तो यू कैन सर्च और यू ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग्स, आप जब नीट प्रिपेयर करते रहोगे या फिर नीट प्रिपरेशन ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन आपको दिस पर्टिकुलर नो, ओके, फिलेरियसिस क्या होता है। तो वहाँ पे उचेरिया ब्रोंकोफाइटी एक समथिंग, वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके वजह से फिलेरियसिस ये पर्टिकुलर वहाँ पे होता है, ओके। कंटेमिनेशन फूड्स एंड वाटर के थ्रू ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, थाइस के अंदर सीवियर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है बुखार उसको आता है, फीवर आती है, और बहुत ही अलग अलग कंडीशन आती है, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर ड्रग, ओके, इन दिस पर्टिकुलर ड्रग के कल्प जो होते हैं इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यूज़ इन अर्थराइटिस एज वेल, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो कर रहा है, ओके, दैट्स वाई अर्थराइटिस में जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हमें देखने को मिलता है, एंड इनका हम यूज़ कर सकते हैं अर्थराइटिस में, ओके। तो इनका जो फॉर्मुलेशन होती है, समीर पन्नागरस हो गया, समीर पन्नागरस में हम क्या करते हैं, मल्ल सिंदूर का यूज़ करते हैं, हड़ताल मनशिला और जो हमारा होता है सोमल, तीनों का कॉम्बिनेशन जिन्हें हम मल्ल बोलते हैं, कज्जली के साथ इन तीनों का मर्दन करते हैं, और जो कज्जली तैयार होती है कांच कुपी में रखने के बाद हम क्या करते हैं, इनका समीर पन्नागरस बनाते हैं, ओके। तो वो अलग बात है कि कुपी पक्व कल्पना के अंदर का जो एग्जाम्पल होता है तो उसमें रस सिंदूर आता है, उसमें हमारा समीर पन्नागरस आता है। सूचिका भरनस, सूचिका एक उनको हम बोलते हैं, सूचिका भरनस आप ऐसे समझिए कि सूचिका भरनस एक कल्प होता है जो कि क्या होता है, बेनिफिशियल होता है फीमेल्स के लिए, ओके। शंख विषोदरस, अगेन वहाँ पे विषोदरस क्योंकि विष को ये नष्ट कर रहा है, विष को समाप्त कर रहा है, ओके, क्योंकि हमने सोमल का लेप लगाया स्कॉर्पियन वाइस में या फिर स्नेक वाइस में, ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है शंख विषोदरस, ओके। तो अगर मैं बात करूँ नौसादर की, हमारा थर्ड ड्रग दैट इज कॉल्ड थर्ड साधारण रस आउट ऑफ एट दैट इज कॉल्ड नौसादर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये, अगर मैं बात करूँ इनके तीन सोर्स बताए गए हैं, अलग अलग सोर्स से हम कैसे इनको गेन कर सकते हैं, इनका प्लांट सोर्स भी बताया गया, इनका एनिमल सोर्स भी बताया गया, इनका वहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स भी बताया गया, ओके। अगर इनका प्लांट सोर्स की अगर बात करूँ तो करीर और पीलू ये दो समथिंग वहाँ पे प्लांट्स होते हैं,
इनके थ्रू हम क्या करते हैं, नौसादर को कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो सोर्स है जो एनिमल सोर्स का आता है, ऐसा कुछ कोई बोलते हैं कि जो हॉर्स का जो डंग होते हैं, हॉर्स के जो जो वेस्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बर्न्स करते हैं, और बर्न्स करने के बाद दे टर्न्स इनटू वाइट कलर, ओके, एंड दैट वाइट कलर कंटेंट वी कॉल एज नौसादर, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो कुछ लोगों का मत ऐसा है, कुछ लोगों का मत बोलते हैं कि करीर एंड पीलू ये दो कंटेंट होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियली, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, नौसादर का अमोनियम क्लोराइड फार्मूला होता है, ये वाइट इन कलर के होते हैं, ओके। इनके तीन सोर्स होते हैं, आर्टिफिशियल, प्लांट सोर्स, और हम एनिमल सोर्स से भी गेन कर सकते हैं, ओके। ये देखिए इनके टैबलेट से बने हुए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं। तो थर्ड डायग्राम आप देखिए, नौसादर, ओके, तो समथिंग ये ऐसा कलर का भी रहता है। तो नौसादर का फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, अमोनियम क्लोराइड जिन्हें हम बोलते हैं। सिनोनिम्स इनकी अगर बात करूँ, इनको चुल्ली का लवण बोलते हैं, इनको हम और एक कित क्षार भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, क्षार गुणधर्म वाले होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब आप समझ ही सकते हो कटु तिक्त रस के होते हैं। एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर नौसादर के कल्प इन गुल्म व्याधि, जहाँ पे हमें ट्यूमर देखने को मिलता है, इन यूटीआई, ओके, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जहाँ पे अश्मरी बना हुआ है, अश्मरी को तोड़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि ये क्षारीय द्रव्य है। क्षारीय द्रव्य मतलब क्षार कंटेंट इसमें पाया जाता है, माइनर कंटेंट्स में बोलो आप, क्षार पाया जाता है। दैट्स वाई इसका जो सुनानिम्स है, कित्त क्षार हमने इनको बोला है, चुल्लिका लवण, कित्त क्षार और नौसारक, इनका हम जो सिनोनिम्स होता है इनको हम प्रोनाउंस करते हैं। सोर्स की अगर बात करूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हॉर्स ड्रंग से इनको गेन करते हैं, तो इनको हम जलाते हैं, और वाइट कलर का जो गेन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, ओके। आर्टिफिशियल इनका हम प्रिपेयर भी करते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक सोर्स भी बोलते हैं, या फिर अगर प्लांट सोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो प्लांट सोर्स होता है ये करीर एंड पीलू, दो प्लांट से हमें गेन होता है, ओके। शोधन अगर बात करूँ, शोधन बहुत ही सिंपल शोधन होता है, जितना नौसादर का शोधन करना है उसके तीन गुना पानी ले लो, ओके, तीन गुना पानी में क्या करना है, इनको डिजोल्व करना है, आर्सेनिक विल बी डिजोल्व इनटू द वाटर, ओके, आर्सेनिक पानी में डिजोल्व होता है। डिजोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, मंदाग्नि पर क्या करना है, आपको हीट करना है, जब तक उसमें से पूरे पानी उड़ नहीं जाते, जब तक पूरे पानी उसमें इवोपरेट नहीं होते, तब तक आपको हीट करना है, और आफ्टर इवोपरेटिंग होल वाटर, कम्प्लीटली वाटर, अगर वहाँ पे थोड़े से जो उनका जो अंश होता है, जो बचता है, उनको आपको ड्राई करना है अंडर सनलाइट, और जो कंटेंट आपको पेपर होता है वाइट कलर की, वो दैट विल बी शुद्ध नौसादर, ओके। द शोधन प्रोसीजर विल बी सिंपल, वन पार्ट नौसादर एंड थ्री पार्ट वाटर, यू हैव टू मिक्स एंड डिजोल्व इनटू द वाटर, एंड आपको क्या करना है, उसको माइल्ड हीटिंग में करना है, माइल्ड हीट को माने कि मंदाग्नि पे आपको रखना है, जब तक वाटर डिवेपरेट नहीं होता है, तो उसको क्या करना है, हीट देते रहना है, ओके। हीट देने के बाद अगेन वो वाइट कलर की ही गेन होती है, लेकिन ये शुद्ध वाला हमारा गेन हुआ है, ओके। यूजेज आप देख ही सकते हो, जैसा हमने लेपन किया था सोमल का, जब हम जैसे हमने लेपन किया था, इन दैट सेम मैनर हम इनका भी लेपन करते हैं, ओके, एक्सटर्नली लेपन अप्लीकेशन ओवर द स्किन, ओके। इनको यानी कि वृश्चिक दर्शन में इनका हम लेपन करते हैं, स्कॉर्पियन बाइस में इनका हम लेपन करते हैं, ओके। देन वहाँ पे नौसादर एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिंग एजेंट यूज इन कासे व्याधि, तो म्यूकोलाइटिंग एजेंट, लाइटिंग मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, म्यूकस को तोड़ना, जो म्यूकस जो बना हुआ है, जो कफ बना हुआ है उसको तोड़ना, नौसादर उनको तोड़ता है, इट एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिंग एजेंट फॉर कासे व्याधि, इन कासे व्याधि यानी श्वास व्याधि, ओके। कफ विलयक जिन्हें हम बोलते हैं, कफ का विलयन करना, कफ को डिसॉल्व करना, तो यूज इन पैसिफिकेशन ऑफ पित्त दोषास लाइक इन बर्निंग सेंसेशन, ओके। जैसे कि सर्जरस मने मलहर एक एग्जांपल दिया है, गंधक आदि मलहर, सर्जरस मलहर बहुत ही इंपॉर्टेंट पित्त शामक वाले ये मलहर है, मतलब ये एक एक्टर से ऑइंटमेंट, ओके, ऑइंटमेंट या फिर क्रीम बोलो, वहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं, सर्जरस मलहर, ओके। तो सर्जरस मलहर, सर्जरस जो शाल वृक्ष का एक निर्यास होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्जरस बोलते हैं, ओके, सर्जरस में, सर्जरस के साथ हम इनमें कांखी मिलाते हैं, यानी फिटकरी मिलाते हैं, नौसादर मिलाते हैं और सस्यक मिलाते हैं, तीन वहाँ पे तीन कंटेंट मिलाते हैं, चार कंटेंट का पाउडर बनाते हैं, यानी कि सर्जरस, देन नौसादर, देन वहाँ पे कांखी यानी फिटकरी और सस्यक,
इन चारों का पाउडर मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं तिल के तेल में, चार गुना तिल के तेल में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही वो गर्म हो जाता है, तो जैसे ही वो डिजॉल्व हो जाता है पूरे तेल में, आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना है, ओके, बड़ा ट्रे लेना है। उस ट्रे में क्या करना है, दिस पर्टिकुलर कंटेंट यू हैव टू पुल आउट, यानी कि आपको बाहर निकालना है उस ट्रे में, और आपको पानी के साथ क्या करना है, उसको मर्दन करना है। उससे जो प्रिपेयर मलर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्जरस मलर बोलते हैं। तो ये अलग बात हम डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन जस्ट मैंने आपको वहाँ पे ओवरव्यू दे दिया रिगार्डिंग सर्जरस मलर के बारे में, ओके। देन अपे इन फॉर्मेशन ऑफ बीड़ा लवण, ओके, जैसे कि आप जानते हो कि पांच टाइप के लवण होते हैं हमारे। देन वहाँ पे सामुद्र, ओके, श्लोक अगर रिजर्व करूँ, सांदवम चर्त सामुद्रम, सांदवम चर्त सामुद्रम बीड़ सावर्चलम, वहाँ पे रोमकम चेती, ऐसे समथिंग कुछ श्लोक है। तो उसमें बीड़ा लवण एक समथिंग, एक टाइप ऑफ लवण है, ओके, लवण की एक कल्पना होती है, सॉरी लवण एक वहाँ पे पांच जो टाइप के मैंने बताया उनमें से बीड़ा लवण पाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हो समुद्र लवण जो प्लांट्स, सॉरी आप समुद्र से गेन कर सकते हो, जिन्हें हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ओके, सांदव लवण जिन्हें हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लवण होते हैं उनको हम नॉट प्रॉपरली वी गेन, नॉट हमें गेन होती है, हमें कोई इसका कोई सोर्स नहीं होता है, हम उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इन दैट सेम मैनर जो बीड़ा लवण होता है उनको हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नौसादर, ओके। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फॉर्मेशन ऑफ बीड़ा लवण, ओके, यूज़ इन अ ग्रहणी व्याधि। तो ग्रहणी व्याधि में इनका हम यूज़ करते हैं दिस पर्टिकुलर कंटेंट का, क्योंकि ये क्या करते हैं, दीपन पाचन की एक्टिविटी शो करते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट इन ग्रहणी व्याधि, जहाँ पे जो अग्नि है अग्निमांड हो गई है, ओके। फॉर्मुलेशन की अगर बात करूँ, रस चंदुर में इनका यूज़ करते हैं। तो रस चंदुर में इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग रस चंदुर जो प्रिपेयर होती है हमारी, पारद और गंधक की कज्जली हम बनाते हैं। कज्जली को जब हम वटांकुर स्वरस की भावना देते हैं, भावना देने के बाद जो हमारा प्रिपेयर होता है, और उस प्रिपेयर कंटेंट को हम क्या करते हैं, कांच कुपी में रखने के बाद, यानी कि कुपी पक्व कल्पना के थ्रू हम क्या करते हैं, एक कल्प प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रस सिंदूर बोलते हैं, ओके। तो ये प्रोसीजर हो गई, ये मेथड हो गया हमारा। लेकिन अगर आपको रस सिंदूर जो प्रिपेयर आपको करना है, वो आपको हाई यील्ड वाली चाहिए, ओके, आपको तो अच्छे से अपना काम करे वो वाला अगर आपको चाहिए रस सिंदूर, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कज्जली अलॉन्ग विद दैट, वहाँ पे पारद और गंधक आपने जो लिया था उसके अलॉन्ग विद हम क्या करते हैं, नौसादर को मिलाते हैं, ओके। नौसादर इज एडेड और एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो किसके काम के लिए करते हैं, पारद और गंधक की कैटलिस्ट जो होती है, यानी कि आप जानते हैं कि पारद जो क्या करता है, किसी भी कल्प में इनका यूज़ इसलिए करते हैं, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ओके, जितने जिस पर्टिकुलर काम के लिए हम पारद का, सॉरी उस कल्प का, उस पर्टिकुलर ड्रग का जो यूज़ करने वाले, उस पर्टिकुलर सोर्स पे पारद लेके जाता है और अपनी एक्टिविटी शो करता है, वो योगवाही वाला अपना गुणधर्म दिखाता है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ओके। तो उसके कैटलिस्ट की जो पावर होती है, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है, वो ज़्यादा करे, ज़्यादा शो करे। दैट्स वाई वी आर एडिंग इनटू दैट पारद एंड कज्जली, सॉरी पारद और गंधक की जो कज्जली बनती है उसके ड्यूरिंग में हम इनका मिक्सर करते हैं, ओके। तो वही इनका मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, एज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मिक्सचर ऑफ पारद एंड गंधक, दैट इज कॉल्ड एज कज्जली, ओके, उन्हीं को हम क्या करते हैं, नौसादर एडेड करते हैं टू इंक्रीज और इन्हांस द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ पारद, ओके। श्वेत परपटी में भी इनका यूज़ करते हैं, श्वेत परपटी में तीन कंटेंट आते हैं, नौसादर और वहाँ पे हमारा और क्या आता है, देन वहाँ पे हमारा कांखी यानी कि फिटकरी आता है, और वहाँ पे हमारा एक आप देख सकते हो सोमल। तो तीनों का हम क्या करते हैं, आप जानते हो कि परपटी कल्पना होती है, परपटी कल्पना एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया अपने अकाउंट में, अपने चैनल में, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो सोमल, एलम और नौसादर, इन तीनों को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ओके। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, इनको हम फर्श के ऊपर, यानी कि जो टाइल्स होती है उनको वहाँ पे उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, और फैलाने देने के बाद क्या होता है, ये जब ड्राई हो जाते हैं तो थोड़े से क्या होता है, कड़क हो जाते हैं, यानी थोड़े सॉलिड हो जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पापड़ लाइक, यानी कि पापड़ लाइक जैसे दिखते हो, इसलिए हमने क्या बोला इनको, परपटी बोला है, ओके, श्वेत परपटी इनको हम बोलते हैं। श्वेत परपटी में इनका यूज़ करते हैं हम, और परपटी जो कल्पना होती है ग्रहणी व्याधि में इनका बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, ओके। ग्रहणी व्याधि में परपटी के बहुत ही फंक्शन देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई जो नवसादर होता है इनका यूज़ जो हमें देखने को मिलता है वो ग्रहणी व्याधि में देखने को मिलता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ श्वेत परपटी। तो वृश्चिक दंश हर लेप, एक ऐसा एक लेप होता है जिनमें नौसादर का यूज़ होता है, ओके।
सजरस मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये, ओके। तो अब हम आते हैं कपरदिक के बारे में, हमारा जो फोर्थ जो साधारण रस होता है, ओके। तो कपरदिक आप जानते ही हो, मैंने सुधा वर्ग के बारे में जब मैंने सुधा वर्ग एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया ही है, जिक्र किया ही है। तो सुधा वर्गीय द्रव्य है, यानी कि कैल्शियम इसमें पाया जाएगा, कैल्शियम इसमें पाया जाता है। और ऑलरेडी मैंने बताया ही आपको कि फाइलम मोलस्का के एनिमल्स होते हैं, ये उसको कवर करके रखता है कि ताकि इसको कोई इंजरी ना हो, ताकि इसको कोई हार्म ना हो समुद्र के अंदर, ओके, एक्वेटिक के अंदर, उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर, ओके। तो एक इट प्रोवाइडेड द हार्ड कवरिंग टू दैट पर्टिकुलर फाइलम मोलस्का के एनिमल को, एंड दैट पर्टिकुलर हार्ड कवरिंग द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जस्ट आपको बोला, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैल्शियम वाले जो कंटेंट होते हैं वो क्षारीय गुणधर्म के होते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर। अब अल्कलाइन में बोल दिया तो वहाँ पे आपको एक और कंटेंट समझ में आना चाहिए, क्या दैट इज नथिंग बट एसिडिटी। हमें जो प्रॉब्लम होती है वो किससे होती है एसिडिटी, अगर मैं आपको जनरल इन जनरल आपको बताऊँ तो वो आप मत अभी अभी आप उसको रिमेम्बर मत करिए कि जो अम्ल पित्त के जो जो हम जिन्हें हम बोलते हैं एसिडिटी जिन्हें हम बोलते हैं उनकी संप्राप्ति क्या होती है, वो कैसे होता है, वो आप अभी यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस मत शो करिए। वहाँ पे आप जस्ट आपको याद रखना है कि जो अम्ल पित्त जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, एसिडिटी जो हम बोलते हैं उनका इन जनरल ये क्या हम बोलते हैं कि उनमें हम क्या बोलते हैं कि एसिडिटी जो हमारे हुई है वो क्या हुआ है, HCl वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा मात्रा में HCl प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम आयुर्वेद के थ्रू जाते हैं, आयुर्वेद में अब जो थिंक कर रहे हो उनके थ्रू जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं पाचक द्रव्य का द्रव्य गुण बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे अम्ल पित्त हो गया होगा, ओके, हो गया होगा। और वहाँ पे हम वहाँ पे हाइपोथेसिस करते हैं कि अगर जो हमारा पाचक अग्नि होती है उसकी अगर उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण अगर बढ़ गया होगा, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है हमारी एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त व्याधि हो सकती है। मॉडर्न से अगर कंपेयर करें हम, वहाँ पे भी सेम वहाँ पे इन्होंने हाइपोथेसिस बताया है कि गैस्ट्रिक जो यानी कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं ऑक्सेंटिक जो सेल्स होते हैं वो अगर अपना पैराइटल जो सेल्स होते हैं ऑक्सेंटिक जो सेल्स होते हैं अगर वो HCl प्रोड्यूस करते रहेंगे, उनका जो नॉर्मल जो क्वांटिटी होता है उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करने लगे उसी हम क्या बोलते हैं एसिडिटी बोलते हैं। तो उस एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एसिड को जो हमारा कपरदिक के जो कल्प होते हैं उनको क्या करते हैं नलीफाई कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दैट्स वाई इनका जो मेन यूज़ होता है अम्ल पित्त में इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इनका निराम अम्ल पित्त में इनका यूज़ करते हैं, तो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा, लेकिन लेट्स कंटिन्यू विद आवर अम्ल पित्त, ओके, कपरदिक। तो कपरदिक जो होता है इन्हें हम कावरी बोलते हैं, मरीन शेल भी बोलते हैं, तो इनके जो सिनोनिम्स होते हैं वराहटिका भी बोलते हैं और कपरद भी बोलते हैं, ओके। तो अगर इनका सोर्स की बात करो, नेचुरल सोर्स है हमारा, ओके, समुद्र से इनको हम गेन करते हैं, एक्वेटिक सोर्स होता है, ओके। तो टाइप्स भी अगर बात करूँ तो तीन टाइप के होते हैं, श्वेत कलर के होते हैं वो, पीते कलर के होते हैं और धूसर कलर के होते हैं, मतलब नाइदर ब्लैक नाइदर वाइट, ओके। तो अल्टीमेटली श्वेत कलर वाले जो होते हैं वो मध्यम के किस्म के होते हैं, मतलब मध्यम क्वालिटी के होते हैं, और जो पीते वाले जो वेराइटी होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ओके। इनका हम औषधि में इनका यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम जो शो किया प्रीवियस स्लाइड में वो वाइट वेराइटी वाला था, वो मध्यम वाले हम यूज़ करते हैं, ओके। मीडियम जिन्हें हम बोलते हैं जो वेस्ट होता है हमारा पित्त वेराइटी वाला होता है। देन वहाँ पे ग्राह्य लक्षण कुछ बताए गए, ओके, कि ये वाला आपको क्या करना है कपरदिक आपको चूज करना है लेना है, ओके, कौन कौन से लक्षण है। तो शुड बी वेट ऑफ 1.5 तोला, ओके, 1.5 तोला और 1 तोला, एंड दैट्स बेस्ट एंड यूज इन अर औषध। तो 1.5 तोले यानी कि जो ग्राम्स मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ, तो नॉर्मली एक जो तोला होता है वो 10 ग्राम का होता है, 1.5 तोला आपको 15 ग्राम और 1 तोला मतलब 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से वहाँ पे 15 ग्राम जिसकी वेट होगी वो क्या होगा बेस्ट होगा, एक कपरदिक का अगर वेट इतना होगा तो वो बेस्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो होता है हमारा 0.5 तोला होता है धूसर कलर वाला और 1 तोला होता है हमारा श्वेत वाला, ओके, दैट्स वाई मैंने मीडियम वहाँ पे उत्तम यानी कि श्रेष्ठ और जो हमारा जो निम्न क्वालिटी वाला है वो तीनों आप असेंडिंग ऑर्डर में आप उनका सीक्वेंस लगा सकते हो, ओके। इनका जो शोधन होता है कपरदिक का शोधन, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कपरदिक का जो शोधन होता है हम क्या करते हैं दोलायंत्र की विद्युत से करते हैं,
दोलायंत्र कैसा होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो दोलायंत्र अम्लरस या फिर जो नींबू का जो रस होता है नींबू स्वरस जिन्हें बोलते हैं, नींबू स्वरस, कांजी, कुलत्त, क्वाथ, इन सभी के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सभी के सबके थ्रू नहीं करते हैं, इनमें से किसी एक के थ्रू हम क्या करते हैं दोलायंत्र की विधि से क्या करते हैं उनका स्वेदन करते हैं। ओके, नींबू स्वरस से स्वेदन करते हैं, उनको नींबू स्वरस में उबालते हैं, पोटली बनाकर, अशुद्ध कपड़ी के पोटली बनाकर उनको हम क्या करते हैं नींबू सरस में डालते हैं। तो डायग्राम अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम को रहेगा तो आप और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर शोधन कपर्दिक भस्म इज प्रिपेयर। ओके, मैं आपको वहाँ पे जब बताऊंगा तो मैं डिस्कस करता हूँ। दैट्स रिजल्ट इन हर्बो मिनरल ड्रग्स। ओके, तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू हर्बल ड्रग्स, जो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ड्यूरिंग मारण हम हर्बल ड्रग्स के वहाँ पे मर्दन करते ट्रिचुरेशन करते हैं। तो दैट्स वहाँ पे हर्बल ड्रग्स के कंटेंट हम ऐड करते हैं एंड दैट्स वाई जो एसिमुलेशन जो उनका होता है और डाइजेशन की जो समस्या होती है जो प्रॉब्लम्स होता है वो नहीं आता है और जो इनका जो एसिमुलेशन होता है बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से इनका अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ दोलायंत्र की जिसका मैं अगेन एंड अगेन जिक्र कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोलायंत्र कैसे दिखता है दोलायंत्र। ओके, दोलायंत्र ये पूरे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं दोलायंत्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है एक मटका होता है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अर्दन पॉट बोलते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये रॉड है जिन्हें हम ये इसमें भी द आयरन रॉड इसमें भी द ऊट यानी कि लकड़ी का भी हो सकता है ये आयरन का भी हो सकता है। इस रॉड के एट द मीडियली वी हैव टू हैंग आउट अ पर्टिकुलर पोटली विच इज ऑलरेडी हैंग विथ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, जो एक रस्सी से ऑलरेडी बंधा हुआ रहेगा वो पोटली और उस रस्सी को हमें क्या करना है एट द मीडियली ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड वी हैव टू टाई। ओके, एंड आफ्टर द टाइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोटली वी हैव टू डिप इन टू दिस पर्टिकुलर कंटेंट इन टू दिस पर्टिकुलर पॉट। ओके, विच इज फिल्ड बाय मेंशन द्रव्यास। ओके, कौन कौन से द्रव्य से वो फिल हो सकता है वह तो गौमूत्र से फिल हो सकता है या तो गोदुग्ध से या फिर कांजी से या फिर अम्लरस से। सोमल की बात करें हम गौरी पाषाण की अगर बात करें वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दोलायंत्र की विधि से गोदुग्ध में हम क्या करते हैं इनका स्वेदन करते हैं। तो जैसा मैं स्टेटमेंट प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपको वैसा ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है दोलायंत्र विधि से। ओके, दोलायंत्र ये देखिए दोलायंत्र विधि से वहाँ पे गोदुग्ध में इनका स्वेदन करना है तीन घंटे तक इनको करना उबालना है। ओके, हीट देना है। इन दैट सेम मैनर जो मैं अभी जस्ट में जिसका मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कपरदिक की यानी कि काउरिस की। ओके, मरीन शेल्स की, उनको पोटली बनाकर इस पोटली के अंदर हमें क्या करना है देखो पोटली जिसमें द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े हमने प्लेस किया है। ओके, इनमें हमको इस पोटली में हमने उनको डाला है। ओके, पोटली में डालने के बाद क्या होता है इस पर्टिकुलर कंटेंट हमने उसको डिप किया जिन्हें वो कंटेंट जो हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड हमारा क्या है नींबू का स्वरस। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अम्ल रस का है। ओके, नींबू का स्वरस डालो आप या फिर कांजी डालो या फिर कुलत्त क्वाथ डालो। इनको डालने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पे एक प्रहर तक क्या करना है इनका वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है यानी कि तीन घंटे तक इनको भी क्या करना है उबालना है। ओके, उबालने के बाद आपको क्या करना है उनकी पोटली को निकालना है इनको धो लेना है गर्म पानी से और धोने के बाद जो कपरदिक आपको जो गेन होती है वो कपरदिक जो होती है वो शुद्ध कपरदिक होती है। ओके, इनका यानी कि आप यहाँ पे इनका शोधन हो चुका है यानी कि शुद्ध केवा कपरदिक हमें गेन हो गया। अब आते हैं हम अपने मारण वाले पॉइंट में यानी कि भस्म प्रिपरेशन के पॉइंट में। शोधन करने के बाद इनका हम क्या करते हैं शराव शंपूत में रखते हैं। शराव शंपूत में रखने के बाद इनको हम क्या करते हैं वहाँ पे जो मफल फर्नेस या फिर जो इलेक्ट्रिक फर्नेस जो बताए गए उनमें हम रखते हैं और आफ्टर वहाँ पे जो टाइम मेंशन होता है कि आफ्टर 3 to 5 hours कंटिन्यू सप्लाई ऑफ 800 degrees Celsius मफल फर्नेस में इनको निकालते हैं। जो इनके जो हार्डनेस होती है जो गुरुता होती है जो भी रहता है उनमें वो कम हो जाते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है बिफोर मारन प्रोसीजर हम क्या करते हैं एक पुट दे दिए रहते हैं यानी कि इनका जो भस्म जो प्रिपरेशन होता है वो 3 पुट के थ्रू होता है। एक पुट जो होता है वो हम क्या करते हैं इनका शराव संपूर्ण में रखने के बाद शराव संपूर्ण मतलब जैसे कि आप जानते हो मैंने ऑलरेडी शराव संपूर्ण के बारे में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है कि एक एक वीडियो में अपलोड किया है मैंने यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो शराव शंपूर की कोई वीडियो नहीं होती है। ओके, लेकिन मैंने ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बताया है
कि कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनके हम क्या करते हैं मृतिका लेपन करते हैं, ओके वो अलग बातें हैं। सराव संपूर्ण में शोधित किया हुआ कपरदीप को हम रखते हैं, उनको क्या करते हैं पूट देते हैं, उनको मफल फर्नेस में हम देते हैं। मफल फर्नेस में जब निकाल लेते हैं उनको, जब हम आफ्टर प्रॉपर टाइम वो जो कपरदीक होता है, वो जो हमारा जो काउरीज था उनमें थोड़ा लघुता आ जाती है, यानी कि वो हार्डनेस उनकी थोड़ी से कम हो जाती है, ओके। तो हार्डनेस कम हो जाने के बाद हम क्या करते हैं उनका, हम अब क्या करते हैं पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर बनाने के बाद हम क्या करते हैं उस पाउडर में हम भावना करते हैं, किसका भावना करते हैं अपने दैट इज़ एनिमल एलोवेरा, ओके एलोवेरा यानी कि जिन्हें हम घृत कुमारी बोलते हैं, कुमारी के स्वर से हम भावना करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं हर्बो मिलनड्रग बोलते हैं, ओके। तो इन्हीं का जो मर्दन करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैलेट्स बनाना है, छोटे छोटे टिकिया बनाना है, और टिकिया को क्या करना है अगेन पूर देना है। पूर देने के बाद आपको करना है फिर से पाउडर बनाना है, फिर से मर्दन करना है वहाँ पे कुमारी सुमारी सॉरी घृत कुमारी स्वर से, अगेन आपको पैलेट्स बनाना है, अगेन पूर देना है। अब जो निर्मित वाला जो आपको जो आप थर्ड पूर जो आफ्टर द थर्ड पूर जो आपको जो चूर्ण ऑपरेंट होगा वो शुद्ध कपरदीक भस्म होता है, ओके। यानी कि कपरदीक का भस्म ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे दिखता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको। ये देखिए ऐसा वो व्हाइट कलर वाला हमें गेन होता है, ओके ये व्हाइट कलर का कपरदीक भस्म हमें गेन हुआ, ओके। तो अल्टीमेटली अब हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस जो होता है अम्ल पित्त में इनका यूज़ करते हैं, कैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अल्कलाइन नेचर का होता है वो, और अम्ल जो हमारा होता है वो एसिडिक का नेचर का होता है। तो एसिड प्लस अल्कलाइन यानी कि बेस विल बी कंटिन्यू विथ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। तो परिणाम आदि शूल मतलब अगर भोजन हमने खाया तो ड्यूरिंग भोजन जो पेन होती है वो अलग होता है। परिणाम आदि शूल मतलब भोजन हमने ले लिया उसके बाद जो पेन हो रही है, उसके बाद जो हमें वहाँ पे जो इरिटेशन जो फील होती है स्टमक के अंदर, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं पेप्टिक असल बोलते हैं उनमें हम, यानी कि अल्टीमेटली अम्ल पित्त का भी एक टाइप बोलो आप, ओके। इट इज ए क्षारीय पदार्थ, वही अगेन जो मैंने इसका मीनिंग बताया, ग्रहणी क्षय नाशिनी, ओके। तो लोकनाथ स्वरस जो होता है, ओके लोकनाथ जो रस होता है बृहद लोकनाथ रस, उनमें हम क्या करते हैं जिस पर्टिकुलर कपरदीक के भस्म को डालते हैं, और ग्रहणी क्षय नाशिनी मतलब ग्रहणी जैसे व्याधि में इनका यूज़ करते हैं, ओके। इन वाइट डिस्चार्ज मतलब श्वेत प्रदन में भी इनका यूज़ करते हैं, जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज होता है थ्रू द वजाइना, ओके। इन रसेंद्र जारना, ओके जो वाइट डिस्चार्ज जो मैंने बात की है उन्हें हम क्या बोलते हैं ल्यूकेरिया, यानी कि जो WBC सेल्स होते हैं उनका डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है, वो लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वजाइना के थ्रू उनका लॉस होता है, ओके। इन रसेंद्र जारना पारत के जारना में भी इनका यूज़ करते हैं, ओके। तो कपरदीक क्षार इज एडेड इन द वीड द्रव्य एक ऐसा कंटेंट होता है, जब हम कक्षप यंत्र की बात करेंगे कक्षप यंत्र में हम वीड द्रव्य का लेपन करते हैं, ओके। वीड द्रव्य एक लेपन करते हैं, वो क्षार लवण इन सभी से प्रिपेयर हुआ रहता है। तो क्षार जो कंटेंट होता है वो हमारा कपरदीक के क्षार एक वहाँ पे उसका एक कंटेंट होता है, ओके। दैट्स वहाँ पे वीड द्रव्य की मैंने बात की है, ओके। इनके फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो प्रवाल पंचामृत रस होता है, जिनमें प्रवाल मुक्ताफल शंख शुक्ति एंड कपरदीक इन पांचों के भस्म मिलाए जाते हैं, और इन भस्मों को हम क्या करते हैं अर्क क्षीर यानी कि कैलेट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं मदार के दुग्ध से इनकी भावना करते हैं। तो अर्क क्षीर जिन्हें हम बोलते हैं, ओके रवि क्षीर जिन्हें हम बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रवाल, ओके प्रवाल मुक्ताफल शंख शुक्ति ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड हैं, ओके। ये सभी भस्म वाइट कलर के होते हैं और इन वाइट कलर के हम क्या करते हैं अर्क क्षीर कैलेट्रोपिस प्रोसेरा के जो दूध होते हैं उनका हम भावना करते हैं, और जो हमारा जो फॉर्म जो कल्प होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रवाल पंचामृत रस बोलते हैं, ओके। रस मतलब कोई चूर्ण नहीं, रस मतलब टैबलेट, ओके। कामदुदा रस, यहाँ पे जो रस मतलब है ये टैबलेट नहीं है, यहाँ पे रस मतलब चूर्ण है। कामदुदा में कोई टैबलेट नहीं बनते, कामदुदा का हम चूर्ण यूज़ करते हैं। अगेन कामदुदा में प्रवाल मुक्ताफल शंख शुक्ति वहाँ पे यूज़ करते हैं, इन सभी के भस्म का यूज़ करते हैं। देन वहाँ पे गैरिक चूर्ण का भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे गुड़ुचि सरसों का भी यूज़ करते हैं, ओके। तो अगर आप एक कल्पों को आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो इसके भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया अपने चैनल्स में, ओके। लोकनाथ रस, तो ऐसे बहुत सारे कल्प बताएं, लोकनाथ रस जो होता है ये ग्रहणी क्षय नाशिनी के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये जो कल्प है दोनों प्रवाल पंचामृत रस और कामदुदा रस, ये दो कल्प नॉर्मली किसमें यूज़ करते हैं अम्ल पित्त निराम अम्ल पित्त में यूज़ करते हैं। निराम अम्ल पित्त ऐसा अम्ल पित्त होता है जो अम्ल पित्त बिना आम के वजह से आओ, ओके। जो आम
बिना एंडोटॉक्सिन के वजह से आया। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा भोजन ले लेते हैं और वहाँ पे जो एसिडिटी जो क्रिएट होती है वो आम अम्ल पित्त है, भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, एक एसिडिटी क्रिएट हुई है। लेकिन कोई कोई एसिडिटी ऐसी होती है कि बिना आम, ओके, तो अल्टीमेटली जो काम दुदारस और जो प्रवाल पंचम जो कल पे मैंने डिस्कस किया है उसमें मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, आपको क्या याद रखना है कि प्रवाल पंचामृत रस और जो कामदुदा जो रस होती है, ये दोनों रस हम क्या किस में यूज़ करते हैं, निराम अम्ल पित्त में यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पे कोई भी आम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो अल्टीमेटली वन्नी जार की अगर बात करें, हमारा फिफ्थ जो साधारण रस का जो कंटेंट होता है, इन्हें हम वन्नी जार भी बोलते हैं। ओके, तो वन्नी जार और अग्नि जार, तो इनका जो सोर्स होता है एक्वेटिक सोर्स है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि वेल फिश का इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ये ओवर द सरफेस समुद्र के सरफेस पे फ्लोट करते हुए हमारे समुद्र के किनारे आता है, इनको हम कलेक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग वो जो समुद्र के ऊपर तैरता रहता है वो पानी के अंदर ही रहता है, मतलब पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, और ये क्या होते हैं, इनका शोधन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो पानी में इनका ऑलरेडी शोधन हो चुका रहता है। ओके, दैट्स वाई नो शोधन नो मारन इज कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग। ओके, तो इनका जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, जितने भी वात व्याधि के कल्प होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं, सचेस जो बृहत वात चिंतामणि रस होता है, ये जो कल्प है मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये सबसे बड़े जो वात के जो डिसऑर्डर होते हैं, बृहत जितने भी बड़े बड़े वात के जो डिसऑर्डर होते हैं, वात व्याधि सचेस पक्षाघात सचेस वहाँ पे पक्षवध, ओके, यानी कि पैरालिसिस, ये सभी व्याधियों में इनके कल्प जो होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स वन्नी जार। ओके, तो इंटेस्टाइन ऑफ वेल फिश है, एक्वेटिक सोर्स है, ओके, एक्वेटिक सोर्स नहीं बोल सकते, एक्वेटिक के थ्रू आया है। ओके, यानी कि अल्टीमेटली जहाँ से आया है वो एक हमारा एनिमल सोर्स ही है। ओके, तो फ्रॉम वन्नी जार, ओके, इंटेस्टाइन ऑफ वेल फिश है, तो जब वो डाय होते हैं वही यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे इसका इनलिस्टिंग किया। ओके, तो शोधन जो होती है इनका, नो फर्दर प्रोसेस ऑफ शोधन इज रिक्वायर एज इट ऑलरेडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्टी वाटर ओवर द सर्फेस ऑफ सी, दैट्स वाई नो शोधन प्रोसेस इज नीडेड हियर। ओके, इनके जो टाइप्स होते हैं, नो टाइप्स नो मारन एंड नो शोधन इज रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, नॉर्मली हम इनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं चूर्ण बनाकर या फिर कल्पों में इनका चूर्ण डालते हैं। ओके, एज वर्नी जोर ऑफ इस ऑफ कटूरस इज हेल्प इन द कास एंड स्वास्थ्य व्याधि। ओके, ओबिसिटी में इनका यूज़ करते हैं, मोटापा, सन्निपातक ज्वर में इनका यूज़ करते हैं। ओके, ज्वर व्याधि में इनका यूज़ करते हैं क्योंकि कटूरस का है। ओके, आमवात, देन वहाँ पे ड्यू टू हैविंग उष्ण वीर्य वन्नी जोर हेल्प इन द ऑल वात व्याधीज। ओके, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे क्या है, ऑल वात व्याधी, जितने भी वात व्याधि होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो वन्नी जार है इनके चूर्ण को हम डालते हैं उस पर्टिकुलर कल्पों में कि इसका जो मेन जो टारगेटिव फैक्टर होता है वो उसको हील कर सके, उसको ठीक कर सके। ओके, इन पैरालिसिस सचेस अग्नि जार स्टिमुलेट द नर्व स्टिमुलेशन, आप जानते हैं पैरालिसिस में जो नर्व्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपना काम, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, नर्व को स्टिमुलेट करता है दिस पर्टिकुलर ड्रग्स के कल्प। ओके, दिस पर्टिकुलर द्रव्य के कल्प, एंड दैट्स नर्व कंडक्शन इज कैरिड आउट एंड दैट्स वाई पैरालिसिस इज हील आउट। ओके, फॉर्मुलेशन जो होती है इनकी, बृहत वात चिंतामणि रस होती है और वात कल्प जितने भी होते हैं इनमें इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए हमारा जो सिक्स ड्रग है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गिरु सिंदूरम, यानी कि गिरु, गिरु मतलब होता है पहाड़ से गिरा हुआ जो चूर्ण होता है, पहाड़ से गिरा हुआ कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, इन्हीं को जब हम कलर कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, चूर्ण फॉर्म हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गिरु सुंदर बोलते हैं। इनके ऑलरेडी मैंने बारे में बात किया है कि ये अगर आप आभ्यंतर यानी कि इंटरनली इनका यूज़ करोगे तो बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दिस पर्टिकुलर कल्प वी आर यूजिंग और दिस पर्टिकुलर रसद्रव्य वी आर यूजिंग फॉर एक्सटर्नली पर्पज ओनली। ओके, तो ये देखिए गिरु सुंदर के बारे में आप देख सकते हो, रेड ऑक्साइड जिन्हें हम रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी जिन्हें हम HGO बोलते हैं। ओके, तो गिरी मतलब माउंटेन और सुंदर मतलब होता है रेड कलर का, नेचुरल सोर्स होता है, हम इसको डिगिंग करके माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। इनके नो टाइप नो शोधन सॉरी नो शोधन नो मारन इज डिस्क्राइब फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग ऑल्सो। गिरी सुंदर का नॉर्मली यूज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको हम क्या करते हैं, कल्पों में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चूर्ण, जैसे कि गंधक आदि मलहर, जैसे सर्जरस मलहर होता है, तो सर्जरस मलहर में तो इनका यूज़ नहीं करते, तो दोनों मलहर की कल्पना होती है, दोनों ऑइंटमेंट है, तो जैसे कि
गंधक आदि मलर है, तो गंधक आदि मलर के बारे में और आपको डिटेल में चाहिए तो अब यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, मैंने ऑलरेडी इसके कल इसके भी वीडियो अपलोड किया है। तो वहाँ पे जो गंधक आदि जो मलर होता है उसमें हम क्या करते हैं, गिर सुंदर के चूर्ण का यूज़ करते हैं, जो ऐसा ऑइंटमेंट में इस गंधक आदि मलर का गंधक आदि मलर का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली चूर्ण का बिना शोधन के हम यूज़ करते हैं। ओके, एज इट इज़ जो हम डिगिंग करके माइन करके जो हमने लाया है। ओके, तो अल्टीमेटली नो शोधन नो मारन इज रिक्वायर हियर। ओके, इनके यूजेस की अगर बात करें, सिंदूरम क्षुद्र कुष्ठघ्नम त्वचेम व्रण विशोधनम। ओके, नॉर्मली इनका जो यूज़ होता है हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर करते हैं, स्किन में इनका जो मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सिंदूरम क्षुद्र कुष्ठघ्नम, क्षुद्र कुष्ठ के 11 टाइप होते हैं, कुष्ठ के बारे में इसका ऑलरेडी मैंने लिस्टिंग किया है कि क्षुद्र कुष्ठ के 18 प्रकार के होते हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ, उनमें से क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार का और महाकुष्ठ जो होता है 7 प्रकार का। ओके, त्वचा व्रण विशोधनम, त्वचा के ऊपर अगर कोई घाव है उसको भी क्या करता है, ठीक करता है। इन स्किन के व्याधि में जिनका जितने भी स्किन के व्याधि होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनके ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली इनके कोई ज़्यादा कल्प नहीं होते हैं, लेकिन जो भी कुछ बनते हैं वो ऑइंटमेंट के बनते हैं। ओके, चेंजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्किन। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की वर्ण द्रव्य है। ओके, इन वर्ण, ओके, कोई घाव है, त्रिदोष हर है, त्रिदोष नाशक है। फॉर्मुलेशन जो होती है, नो कल्प इज अवेलेबल। आज गिरु सिंदूर इज अ कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रग, दैट्स वाई ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सियल एंड अनएबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग इट नॉट यूज इन दैट मच ऑफ इन प्रैक्टिसेस। ओके, एंड जो ज़्यादा भी अगर जो थोड़े से भी जो कल्प रहते भी हैं वो ऑइंटमेंट के तरीके रहते हैं। ओके, ओनली बाय अ प्रोगार्ड वी यूज, सिर्फ हम बाहर लेपन के लिए यूज़ करते हैं। इनका अभ्यंतर यानी कि इंटरनली इसके कल्प या फिर इनका हम यूज़ नहीं करते। ओके, अब अगर हम हिंगुल की बात करें, हिंगुल अगेन इंपॉर्टेंट हमारा रसद्रव्य होता है। ओके, तो हमारा सेकेंड लास्ट हमारा जो साधारण रस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंगुल बोलते हैं। हिंगुल को हम सिन्नाबार भी बोलते हैं, इन्हें हम दरद भी बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग इसके नाम दिए गए, इनको हम अलग अलग नाम दिए गए, दरद है, हिंगुल है, देन वहाँ पे और भी बहुत सारे नाम है। ओके, इनको हम अगर एक और नाम बोले सिंगर्स भी बोलते हैं, और भी ऐसे कुछ अलग अलग दो चार नाम है। ओके, तो जितने भी नाम हैं अभी मैंने रिमेम्बर जो थे वो मैंने बताया आपको। तो ये भी क्या होता है कि इनका नेचुरल सोर्स से हम क्या करते हैं, इनको गेन करते हैं। ओके, इनके नेचुरल सोर्स के तीन वे होते हैं, चारमार हिंगुल, देन वहाँ पे शुकतुंडुक हिंगुल, देन वहाँ पे हंसपाद हिंगुल। तो तीन वे होते हैं इनके, तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप होते हैं इनके नेचुरल सोर्स के, तीन तरीके होते हैं बाय द कलर। ओके, कलर के बेसिस पर इनके तीन तरीके होते हैं, जो हम तीन वे में यानी कि तीन टाइप के हम क्या करते हैं, हिंगुल को गेन करते हैं अपने अर्थ क्रस्ट से। ओके, तो ये जो वेराइटी होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, हंसपाद हिंगुल बोलते हैं। तो हंस मतलब होता है श्वान। ओके, हंस जिन्हें हम बोलते हैं, तो हंस के जो पैर होते हैं उनके रिजेंबल के अकॉर्डिंग ये हमारा रेड कलर का होता है, और जो हमारा शुकतुंडुक वाला था वो पीले कलर का होता है, और हमारा जो चारवार हिंगुल था वो ब्लैक कलर का होता है। तो डिस्कस करते हैं हम। ओके, ये देखिए आप देख सकते हो, ये हमारा सिन्नाबार सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी, जिसका फॉर्मूला आता है HgS। ओके, तो हिंगुल रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी जिन्हें हम HgS बोलते हैं, हमारा अग्निजार वन्यजार वो HgO था। ओके, नॉट वन्यजार अग्निजार, हमारा जो गिर सिंधु था वो HgO था। ओके, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी था, ये हमारा रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी है। ओके, रिमेंबर रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी है HgS जिन्हें हम बोले। तो HgS में दो कंटेंट पाए जाते हैं, सल्फर भी पाया जाता है और मर्क्यूरी भी पाया जाता है। अगर आपको कोई बोले कि हमारा हिंगुल अच्छा वाला है या नहीं है, आप कैसा पता करोगे, तो आपको ऐसा पता करना है कि जो मर्क्यूरी होता है वो हैवी होता है और जो सल्फर होता है वो लाइट इन वेट के होते हैं। तो अगर हमारा हिंगुल लाइट इन वेट का हुआ तो दैट उसमें आपको समझना चाहिए कि इसमें आपको क्या मिला है, ज़्यादा सल्फर मिला हुआ है। अगर हमारा जो हिंगुल है वो हैवी है, थोड़े से वो वजनदार है, वजन में है, वजन इनकी ज़्यादा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये हमारे वेस्ट है, क्योंकि ये वेस्ट मतलब नॉट वेस्ट WAST वाला, हमारा BEST वाला। ओके, यानी कि श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मर्क्यूरी ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो जिसमें मर्क्यूरी ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा बेस्ट हिंगुल होता है। तो रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी है, सोर्स जो होता है इसका नेचुरल सोर्स होता है, कुछ हम आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर करते हैं। ओके,
तो जैसे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, दर्द हिंगुल एक आर्टिफिशियल हम प्रिपेयर करते हैं, देन वहाँ पे हमने प्रवाल हिंगुल भी एक प्रिपेयर करते हैं। इनका नेचुरल सोर्स आर्टिफिशियल प्रिपेयर एंड सम टाइम हम क्या करते हैं नेचुरल भी वहाँ पे गेन करते हैं। तो तीन टाइप के नेचुरली हम गेन करते हैं, चारमार हिंगुल जो कि ब्लैक कलर का होता है, और शुक्र तिंडुक हिंगुल जो कि रेड कलर का होता है। ओके, रेड कलर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे वहाँ पे येलो कलर या फिर स्लाइटली वहाँ पे रेडिश कलर आप ऐसा वहाँ पे कर सकते हो। ओके, हमारा जो हंसपाद हिंगुल जो होता है वो बेस्ट होता है, वो रेड कलर का होता है। ओके, तो अल्टीमेटली हंसपाद हिंगुल का ही हम यूज़ करते हैं अपने रस औषधि के लिए। ओके, और एक चीज़, इसका जो शोधन होता है, इनका शोधन हम ऐसे करते हैं कि हंसपाद हिंगुल को लेते हैं, इनका चूर्ण बनाते हैं, और इनको हम क्या करते हैं भावना देते हैं। ओके, भावना किसका देते हैं, आर्द्रक स्वरस का सात भावना देते हैं। ओके, या तो सात बार भावना डन विद द आर्द्रक स्वरस, या फिर मेष दुग्ध यानी कि जो मेष मतलब जो भैंस होते हैं, ओके, बफेलो जिन्हें होते हैं, तो इनके दूध का भी हम यूज़ करके इनके दूध का सात बार भावना करो, या फिर सात बार आर्द्रक स्वरस का भावना करो, या फिर सात बार नींबू स्वरस की भावना करो। इनके भावना देने के बाद जो चूर्ण होता है, जो ड्राई होता है, जो प्रोडक्ट जो तैयार होता है, तो अल्टीमेटली इनके अगर और डिटेल की बात करें तो इनके चूर्ण को क्या करना रहता है, इनमें इतना लिक्विड डालना रहता है जितना वो सोक कर ले। ओके, इनको मर्दन करना रहता है, मर्दन करने के बाद जब तक वो ड्राई नहीं होते इनका मर्दन करते रहना है। ओके, जब वो ड्राई होते हैं एक बार इनका शोधन, एक बार इनका भावना हो चुका है, देन अगेन सेम लिक्विड डालना है, सेम मर्दन, सेम ड्राइंग। ओके, ऐसे टोटल सात बार किसका करना है, आर्द्रक स्वरस से, इससे भी इनका शोधन हो सकता है, या फिर आपको मेष दुग्ध, इससे भी इनका शोधन हो सकता है, या फिर वहाँ पे नींबू स्वरस यूज़ करो, इनसे भी इनका शोधन हो सकता है। ओके, यूजर्स की अगर बात करें तो हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, दैट्स वाई इनका ज्वर व्याधि में इनका यूज़ करते हैं, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडी को फॉर्म करता है। ओके, बेस्ट आम पाचक द्रव्य होता है। ओके, तो एस इन ज्वर व्याधि वहाँ पे आम जो होती है बेस्ट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट्स वाई आम के वजह से क्या होता है हमें व्याधि देखने को मिलता है। ओके, फीवर विथ कोफ, कफ एंड कोल्ड में भी इनका हमें देखने को मिलता है। ओके, कफ एंड कोल्ड में भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर हिंगुल के कल्प को। ओके, एज इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ पारद, तो ये मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दैट इज़ नथिंग बट ये तिक्त रस के कुछ द्रव्य होते हैं, मतलब हिंगुल जो होता है वो तिक्त रस का है, उष्ण वीर का है, कटु पिपाक का होता है, दैट्स वाई यह श्वास और कास व्याधि में इनका यूज़ हम कर रहे हैं, सॉरी श्वास और कास व्याधि में इनका यूज जो है हमें देखने को मिल रहा है। ओके, बेस्ट सोर्स ऑफ पारद ये इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो होता है HGS इसका फॉर्मूला है। ओके, HGS मतलब मर्क्यूरी और सल्फाइड जिन्हें हम पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाते हैं रेड सल्फाइड और मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी को हम इसमें से निकालते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंगुलत्व पारद बोलते हैं, मतलब हिंगुल से जो निकाला हुआ जो पारद रहता है इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंगुलत्व पारद बोलते हैं, हिंगुल से निकाला हुआ हिंगुल उत्त पारद यानी कि हिंगुल से निकाला गया पारद। ओके, तो एज इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ पारद। ओके, जो हम अष्ट संस्कार करते हैं पारद का उससे भी बेस्ट ये ऐसा बोला जाता है, या फिर उसके इक्वली ये ऐसा बोला जाता है इस पारद को जो हम गेन करते हैं बाय हिंगुल। ओके, तो दैट्स वाई इसकी एक यूजेस होती है, यही इसका यूजेस है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पारद फ्रॉम हिंगुल इन बाया ऊर्ध्व पातन यंत्र और विद्याधन यंत्र, पारद ऑब्टेन फ्रॉम हिंगुल दैट इज कॉल्ड एज हिंगुलत्व पारद हैविंग 99 एंड जिसके जो प्योरिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, एंड अल्टीमेटली द अपीयरेंस ऑफ हिंगुलत्व पारद इज मच ग्रेटर देन। ओके, अष्ट संस्कार जो पारद हम करते हैं, ओके, पारद की जो अलग अलग जो विशेष विधि जो बताई गई है उसके थ्रू जो हम अष्ट संस्कार करते हैं, ओके, वहाँ पे जो सामान्य विधि जो बताई गई है उसके थ्रू अगर करते हैं तो उनमें जो पारद जो होती है जो शुद्ध जो गेन होता है वो शुद्धता, और ये जो शुद्ध किया हुआ जो यानी कि जो पारद हिंगुल से जो गेन किया गया है इन दोनों में यानी कि शुद्ध किया हुआ पारद और हिंगुल से निकाला गया पारद दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही सेम होते हैं। ओके, तो अष्ट संस्कारित पारद जिन्हें हम बोलते हैं यूज इन ज्वर कल्प में भी इनका यूज़ हमें देखने को मिलता है। ओके, इनके फॉर्मुलेशन की अगर बात करें त्रिभुवन कृति में भी इनका यूज हमें देखने को मिलता है। ओके, देन वहाँ पे त्रिभुवन कृति बेस्ट वहाँ पे ज्वर के लिए कल्प होता है। ओके, कनक सिंदूर रस, ओके, देन वहाँ पे आनंद भैरव रस। ओके, तो आनंद भैरव रस मतलब इसलिए बताया क्योंकि आनंद भैरव एक आचार्य का नाम था और जिस आचार्य ने इस पर्टिकुलर कल्पों का यूज़ किया है, इस पर्टिकुलर कल्पों को बनाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं आनंद भैरव रस बोलते हैं। ओके, इनकी जो मात्रा होती है 125 मिलीग्राम की मात्रा होती है। ओके, हमारा लास्ट की अगर ड्रग साधारण रस की बात करें जिन्हें हम क्या बोलते हैं मृदारशुंग बोलते हैं। ओके, मृदारशुंग
ये भी नेचुरल सोर्स होता है, इसको हम क्या करते हैं गेन करते हैं अपने माइनिंग डिगिंग करके, यानी कि मिनरल सोर्स होता है जिसको हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ओके, जिन्हें मृदा रसोंग बोलते हैं। ये कल्प भी, इसके कल्प कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, इसका हम कोई नॉर्मली यूज़ नहीं करते, अगर यूज़ करते भी हैं सिर्फ बाह्य प्रोगार्थ, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग ऑल्सो, जैसे हमने गिरे सुंदर के लिए यूज़ किया, ओके, इनका अगर इंटरनली यूज़ करोगे तो इसके भी अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो मृदारा शुंग, इसका जो नाम होता है इंडियन क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ओके, HgO, हमारा ये किसका नाम था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर, रिकॉल करिए, ओके, तो इन द सेम मैनर हमारा रेड जो लेड ऑक्साइड होता है वो, ये इंडियन क्या बोलते हैं, मृदारा शुंग बोलते हैं, जो येल्लो कलर का होता है, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया, ये डायग्राम जो टेक्स्टबुक के जो डायग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली ये येल्लो कलर के होते हैं, ओके, इनका जो सोर्स होता है वो नेचुरली होता है, नो टाइप, नो शोधन, ओके, तो शोधन जो बताया गया वहाँ पे रेफरेंस में ऐसा शोधन आया कि इनके चूर्ण को क्या करना है, भावना करना है, जल की भावना देना है, जल की भावना देने के बाद जो चूर्ण सूखा हुआ जो चूर्ण रहता है वो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ बाह्य प्रयोगार्थ, यानी कि सिर्फ बाहर लेपन करने के लिए, बाहर लगाने के लिए, सिर्फ स्किन के ऊपर लगाने के लिए सिर्फ, ओके, तो ओनली बाह्य प्रोग्राथ वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर चूर्ण इन स्किन लीजन सच एज पामा, पामा एक क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार होता है, ओके, जैसे छिंद जैसे सिंदूर जो था वो क्षुद्र कुष्ठ में उनका यूज हमने देखने को मिला, ओके, इन दैट सेम मैंने यहाँ पे भी कुष्ठ व्याधि में देखने को मिल रहा है इसका यूज़, इचिंग, अगर कोई स्किन में अगर आपको कंडू हो रही है, ओके, इचिंग हो रही है, उनमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्चर हुआ है तो इनके पर्टिकुलर लेपों का यूज़ कर सकते हैं, ओके, इनके चूर्ण को हम क्या करते हैं, लेपन करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ा सा लेप करते हैं संधि के स्थान में, जॉइंट्स के पार्ट में जहाँ पे बोन ही फ्रैक्चर हुआ है उनको हम वहाँ पे लेपन करते हैं तो उनसे इनको जल्दी से हील होता है, ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रग, इनका कोई कल्प मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, अगर इनके कल्प नहीं है तो इनके चूर्ण को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली, ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टूडेज क्लास, हियर वी डिस्कस अ लॉट डिस्कशन ऑफ रिगार्डिंग साधारण रस, साधारण रस के तीन कंटेंट पाए थे, कंपिल्लक, गौरी पाषाण, नौसादर, देन वहाँ पे अलग अलग और जो भी कुछ है, ओके, तो टोटल मिलाकर से 8 कंटेंट महारस, 8 कंटेंट उपरस और 8 कंटेंट जो होते हैं साधारण रस में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं अलग अलग कल्पों के लिए यूज़ करते हैं, पारत के कल्पों के लिए यूज़ करते हैं, ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टूडेज क्लास, थैंक यू।